दिए थे ना आप लोग, दिए थे ना होमवर्क, तो उसमें होमवर्क जो दिए थे उसमें देखना है यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखो कि जब भी आप मान लो कि इथेन लिए और इस पे Cl2 लाइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सुनो अगर मान लो कि आपने क्लोरीन का कितना इक्वेलेंट लिया, 1 इक्वेलेंट ही लिया, इसका काम होता वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने, एक हाइड्रोजन को, 1 इक्वेलेंट का मतलब हो तो एक हाइड्रोजन, अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आप 1 इक्वेलेंट ही लेके चलोगे। इफ द एग्जाम में मेंशन कर दे कि यू हैव टू टेक द एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, या यू हैव टू टेक द 2 इक्वेलेंट ऑफ क्लोरीन, या टू टेक द 3 इक्वेलेंट ऑफ क्लोरीन, तो व्हाट एवर द नंबर ऑफ इक्वेलेंट ऑफ क्लोरीन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन यू हैव टू रिप्लेस फ्रॉम द एल्केन, सिंपल थ्योरी है। नहीं कुछ मेंशन करेंगे तो मोनोक्लोरीनेशन होता है। कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, मैंने भी बनवाया था, मोनोक्लोरीनेशन का ही प्रोडक्ट पूछता है, पॉलीक्लोरीनेशन का प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो लॉजिकल है ही नहीं, लॉजिकल है तो मोनोक्लोरीनेशन, वहीं से क्वेश्चन फ्रेमिंग भी होता है। तो आप इस पे जाएंगे तो ये बनेगा आपका CH3, CH2 और क्या होगा, HCl। बेटा ये जो आप सबसे पहले रिएक्शन करवा कर रहे हो तो हाई टेम्परेचर, ये किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो याद रखना कि अगर रिएक्शन आपका होगा हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, मतलब वहां पे इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल बनता है कैसे, तो फ्री रेडिकल बनता है होमोलाइटिक फिजन से, जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाओगे, दो एटम के बीच में और दोनों को इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स, इसको बोलते होमोलाइटिक फिजन। तो होमोलाइटिक फिजन के थ्रू क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स। तो लाइट ये सब फेवर करता है, लाइट हमेशा फ्री रेडिकल को क्या करता है, फेवर करता है। अब सुनो होता क्या, इसमें जब मैकेनिज्म आते हैं हम लोग फ्री रेडिकल का, तो इसमें मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स होता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल जनरेट करना, प्रोपगेशन का मतलब होता है कि एक फ्री रेडिकल जो जनरेट हो गया उससे एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करना, और उसी नया फ्री रेडिकल जब जनरेट करोगे दूसरा फ्री रेडिकल, उसी से एक प्रोडक्ट बनाना। तो आपका जो इंटेंशन है कि इसके थ्रू मान लो कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जाएंगे ये प्रोडक्ट, तो उसके लिए आप प्रोपगेशन में जाओगे। और एक होता टर्मिनेशन, उसमें बोला था कोई सिंथेटिक यूटिलिटी होता ही नहीं, मतलब टर्मिनेशन का प्रोडक्ट का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आप ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर ये शॉर्टेज हो गया तो फिर टर्मिनेट कर जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर इसका भी शॉर्टेज हो जाएगा, मान लो जो रिएक्टेंट लिए उसमें से किसी भी एक रिएक्टेंट का अगर शॉर्टेज हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा, उसी को बोलते टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। मैंने बोला था कि इनिशिएशन क्या होता है, तो इनिशिएशन मैंने बोला था कि जब भी करोगे तो इनिशिएशन का काम होता है फ्री रेडिकल जनरेट करना। इनिशिएशन क्या होता है, तो मैंने बोला था क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो, लाइट फ्लैश ऑफ लाइट देंगे, इसका काम होता है क्लोरीन को से फ्री रेडिकल जनरेट करना। तो देखो ये क्या आएगा, फ्री रेडिकल्स, ये कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि होता है प्रोपगेशन। बेटा प्रोपगेशन क्या होता है, तो सुनो देखो कुछ भी करो या कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा हीट एंड ट्रायल नहीं होता, आप कंपाउंड देख के नहीं बता पाओगे। हाँ कंपाउंड देख के तभी बता पाओगे जब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये सब एक इंफॉर्मेशन होता है कि एल्केन में जब क्लोरीनेशन करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल्स, ये दिमाग में सेट करना चाहिए। अब कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, तो कौन सा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे जो 3 डिग्री मिलेगा, तो वहां पर रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को होमोलाइटिक फिजन के थ्रू आप 1 डिग्री बनाएंगे वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सिंपल थ्योरी है ये। तो अब देखो यहाँ पे प्रोपगेशन कितना होता है, 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 क्या होता है, सुनो CH3, देखो मैं अपने मन से नहीं ले रहा, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, आइसोटोपिक लेबलिंग करके बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करके देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन लिया जाता है। तो जो भी मैकेनिज्म जो भी बोलते हैं ये आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, उसी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। तो ये क्या होता है कि इसका काम होता है, ये CH2 हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन का काम होता है यहाँ से हाइड्रोजन को ट्रैप करना। अब बताओ एज ए फ्री रेडिकल अटैक करोगे तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में ही ट्रैप करोगे,
एज ए फ्री रेडिकल जाओगे तो फ्रेंडशिप किसके साथ करोगे? फ्री रेडिकल के साथ करेगा, कैटायन एनायन के साथ बनाना चाहेगा, एनायन किसके साथ बनाना चाहेगा? कैटायन के साथ। आप फ्री रेडिकल किसके साथ जाएगा? फ्री रेडिकल। जब आप फ्री रेडिकल का पाथ फॉलो करो तो हमेशा फ्री रेडिकल ही दिखाते चले जाओ, मतलब बॉन्ड तोड़ेंगे भी तो होमोलाइटिक फिजन ही होगा, हेटरोलाइटिक फिजन नहीं लेंगे। हेटरोलाइटिक फिजन तभी लेंगे जब आयंस बनेगा, आयंस तो बन नहीं रहा आपका, यहाँ से फ्री रेडिकल करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें बन जाएगा आपका CH3 और CH2 और ये हो जाएगा HCl। अभी मेरा प्रोडक्ट नहीं बना, अभी मेरा प्रोडक्ट नहीं बना, अभी कौन सा बना? एक फ्री रेडिकल बना। आप तो देख रहे हो कि एक फ्री रेडिकल बनाया आपने, अब फ्री रेडिकल क्या बना? एक न्यू फ्री रेडिकल बना दिया, तो ये जो फ्री रेडिकल है वो भी कुछ न्यू फ्री रेडिकल बनेगा, तो अब बचा कौन? तो क्लोरीन जो था, टोटल का टोटल क्लोरीन को आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल में नहीं देते हम लोग, मान लो यहाँ पे रिएक्शन है तो एक फ्लैश ऑफ लाइट देंगे, और एक क्लोरीन को अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल में तोड़ेंगे ना तो 1000 मॉलिक्यूल को क्लोरीनेशन कर पा देंगे। कैसे करता देखो, ये मतलब ये क्या करेगा, आपका क्लोरीन जाएगा ये फ्री रेडिकल, इस पे आएगा ये टूटा, देखो क्या बनना था आपका, इथाइल क्लोराइड बनना था ना, देखो बन गया, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। अब ये फ्री रेडिकल रिसाइकल हो जाएगा कि फिर वहां पे देखो यहाँ पे रिसाइकल हो रहा है कि नहीं, ये देखो आपने स्टार्टिंग में तो एक को तोड़ दिया या कुछ को तोड़ दिया, जैसे कुछ फ्री रेडिकल बना तो फिर स्टेप 2 से तो फिर वही फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, तो फिर आ गया स्टेप 1 में, फिर आ गया स्टेप 2 में, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको इथेन को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना था। अरे रिएक्शन मिक्सर में तो आपका एक ही मॉलिक्यूल इथेन तो नहीं होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, एक ही क्लोरीन लेके तो रिएक्शन नहीं करवा रहे, बहुत सारा क्लोरीन लेके रिएक्शन करवा रहे, तो कुछ ही क्लोरीन को मैंने क्लोरीन फ्री रेडिकल में वहां पे तोड़ा, उसके बाद तो अपने आप ये प्रोपगेट होते चला जाएगा, मतलब आपका क्या प्रोडक्ट बनना वहां पे, इथाइल क्लोराइड। अब उसके बाद एक प्रोपगेशन होता है टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन मैंने बताया था कि टर्मिनेशन कैसे होता है, ये मैंने बोला कि मान लो CH3 CH2 फ्री रेडिकल था और ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, ये कंबाइन करके क्या बना देगा? ब्यूटेन। Cl फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल है, ये कंबाइन करके क्या बना देगा? क्लोरीन। ऐसे करके बहुत सारा पॉसिबिलिटी आ जाता है वहां पे, तो टर्मिनेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, मान लो CH2 CH2 फ्री रेडिकल है और क्लोरीन बचा हुआ था, यही सब फ्रेंडशिप करके क्या बना देगा आपका? CH3 CH2 Cl कर देगा, तो ये तो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप प्रोडक्ट में बना चुके ऑलरेडी, रुको प्रोडक्ट में ऑलरेडी बना चुके हो इसीलिए इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ दो इसको रहने दो, ये समझ में आया आपको? तो प्रोग्रेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, प्रोग्रेशन सेंसलेस होता, प्रोग्रेशन कभी पूछेगा नहीं आपसे, टर्मिनेशन कभी पूछेगा नहीं आपसे, पूछेगा इनिशिएशन प्रोग्रेशन, हाउ टू जनरेट फ्री रेडिकल, हाउ टू ऑपरेट द फ्री रेडिकल, हाउ टू जनरेट, हाउ टू ऑपरेट द थिंग्स, कैसे जनरेट करोगे, कैसे लेके जाओगे उसको, नहीं इंपॉर्टेंस ये है कि आप जब ये प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो यही नहीं मिला, इसके अलावा बहुत सारा प्रोडक्ट मिला, टर्मिनेशन है। आप एक काम करो, मान लो यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट हो गया, मान लो कि ये रिएक्शन करवाते करवाते ये नहीं मिल रहा मेरे को, यही रह जाएगा, तो ये क्या करेगा, कंपनी करके ये बनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फ्री रेडिकल पे स्टे करेगा नहीं, उसको तो अल्टीमेटली क्या करना है, स्पिन पेयर करना, कंपनी करके चला जाएगा, कर लेंगे। अगर मान लो इसी को आपने एग्जॉस्ट कर दिया तो ये तो बेचारा है, तो ये क्या करेगा, खुद में कंपनी करके Cl2 बनाना स्टार्ट कर देगा, लाइट तो दे नहीं, लाइट तो फ्लैश ऑफ लाइट दी, हटा दी, वो सब से कर लेंगे। अब क्या होता है कि आपने देखा जर्नी में क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल। अच्छा भी बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ना, हर रिएक्शन का एक डिमांड होता है, हर रिएक्शन का एक डिमांड होता है, आपके मम्मी कुछ भी बोल के साइन करते हैं ना तो आप कुछ डिमांड रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हो, कुछ ना कुछ डिमांड रखते ही हो आप लोग, मामा ये काम कर दोगे तो ये दोगे आप, मामा ये काम कर दोगे तो KFC खिलाओगे, मामा ये काम कर दोगे तो वैफल्स खिलाओगे, होता है नहीं? अरे मेरे घर में छोटे बच्चे ने, मैं एक्सपीरियंस इससे बोल रहा हूँ कि आप लोग भी करते ही होंगे, ऐसा नहीं होगा ही नहीं, वही हम लोग भी बचपन था करते ही थे, कुछ भी इवन पढ़ने के लिए बोलता था बोलता था पढ़ लेंगे तब लोगे कुछ। एस सी वर्मा का एक इंटरव्यू देखना, एस सी वर्मा तो बहुत फेमस राइटर है,
बहुत फेमस टीचर है, उनका वीडियो देखना था, रियल में टीचर क्या होता है इंडिया में, वही दिखेगा आपको। किसी एटी कॉलेज का प्रोफेसर का आप देखो लेक्चर, दिखेगा आपको, चिल्लाता नहीं, बहुत कूल होके बहुत अच्छा चीज से बताता है, बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता। तो वो बोलते थे कि मैं बचपन में था, बट मैं पढ़ने में बहुत बहुत तेज नहीं था। मैं तो मेरी मम्मी क्या करती थी, बोलते कि पढ़ाई करते रहो, एक मिठाई स्वीट्स मेरे किलो रख देती थी, बोलते हैं कि जैसे पढ़ाई करोगे 2 घंटा तो एक स्वीट्स उसमें से मिलेगा, बोलते कि उसी को देख देख के मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर लेता। होता है ये सब नेचुरल चीज है, ये बचपन में होता है। तो वैसे क्या होता है कि हर रिएक्शन का एक डिमांड होता है, कहीं पे मान लो कि डिमांड का मतलब एनर्जी चाहिए। जैसे क्या होता है, मान लो कि है, जैसे एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये मेरे को पता है कि अबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना था, अमोनिया। लेकिन आप अमोनिया का बारिश तो नहीं हो रहा आपको, इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन आप नहीं दे रहे हो। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है, डिमांड। आप डिमांड दे ही नहीं रहे तो रिएक्ट क्यों करेगा वो। जितना भी रिएक्शन होता है सबका कुछ ना कुछ डिमांड होता है। रिएक्शन का अगर डिमांड कम होगा ना तो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर मान लो किसी स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, एक मान लो हाई जंप लॉन्ग जंप आपने दिया, और उसको अगर स्टार्टिंग में टीचर क्या रहता है कि मान लो छोटा शॉर्ट डिस्टेंस रखता है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, उसको थोड़ा बढ़ाया, उसका क्वालिफाई कम हो गया, उसका दौर बढ़ाया और भी क्वालिफाई कम होता है। तो वही होता है कि डिमांड अगर आप छोटा होगा तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। डिमांड अगर ज्यादा होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, कुछ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। तो वो डिपेंड होता है डिमांड। तो ये फ्री रेडिकल का जो मैकेनिज्म होता है, इसका डिमांड बहुत कम होता है, इसलिए फ्री रेडिकल जहां भी होता है बहुत फास्ट होता है। याद रखोगे क्या होगा, बहुत फास्ट होता है। तो आप याद रखना कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, देखना, CH3, CH2, CH2, CH3। मेरे को पता है यहाँ पे अगर मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन करेंगे, मोनो ब्रोमिनेशन, देखो ये बेटा कौन सा हाइड्रोजन है, 1 डिग्री, ये कौन सा है, ये क्या है, ये ओके भी क्या है। आप थोड़ा सोचो कि अगर इसमें होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री फ्यूजन। अगर इसमें होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री फ्यूजन। आप बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, 1 डिग्री। आप खुद से देखो इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जाएंगे तो इसमें 2 टाइप का हाइड्रोजन मिल रहा है कि नहीं आपको, कितना टाइप का मिल रहा है, 2 टाइप का। अब 2 टाइप का हाइड्रोजन आप बोलोगे कैसे 2 टाइप का हाइड्रोजन, तो आप सोचो कि ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो 2 टाइप का तो दिख रहा है। और नहीं तो एक सिंपल तरीका देखो, यहाँ पे अगर क्लोरीन देंगे या मान लो ब्रोमिनेशन करवाया मैंने, मोनोब्रोमिनेशन मतलब एक ही ब्रोमिन लाएंगे, यहाँ पे ब्रोमीन देंगे तो क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इधर करोगे तो क्या बोलोगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इस पे भी करोगे तो 2 ब्रोमो, तो फिर तो रिपीट हो गया, इस पे करेंगे तो 1 ब्रोमो, तो फिर तो रिपीट हो गया आपका। तो आपका यहाँ पे कितना पॉसिबल प्रोडक्ट है, दो दो जो पॉसिबल प्रोडक्ट है उसमें एक होगा ये Br और एक होगा ये Br, यही दो पॉसिबल है। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलेंगे मेजर, क्योंकि आपने कहाँ से लाया, वो 2 डिग्री से। और क्लास नोट्स में जाओगे तो वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, क्योंकि मैंने रिएक्टिविटी और जो बताया था फॉर Br2 जो बताया था, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, Br2 के लिए ये 1 लिए थे तो इसका था 82, इसका था 1600, मतलब कि 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में 2 डिग्री 82 टाइम ज्यादा रिएक्टिव है, अब 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री आपका 1600 टाइम ज्यादा है। आई बात समझ में, ये किसके लिए वैलिड है, ये ब्रोमीन के लिए। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कायरल सेंटर, आ रहा है कि नहीं, कायरल सेंटर अगर एक ही होगा तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता, उसका हमेशा डीएल पेयर आएगा। डेक्सट्रो लेवो किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही कायरल सेंटर होगा तो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दो कायरल सेंटर होगा तो मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट एक ही कायरल सेंटर होगा तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, मैंने बताया था ये।
जब ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो इफ ब्रोमिनेशन से या क्लोरीनेशन से अगर कायरल सेंटर लाओगे तो ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो, तो उसका हमेशा डेक्सट्रोलेब हो जाएगा, दो फॉर्म आएगा। कितना फॉर्म आएगा? दो फॉर्म। आई बात समझ में? तो ये बताया था मैंने, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़े हो आप? नहीं, तो ये सब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं नहीं पता, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। आप करना क्या, ठीक है लिख लो, थोड़ा कभी स्कूल से भी फ्री होंगे तो कभी आप आ जाइएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि छूटा हुआ ये सब सीखने का, अगर सीखना चाहते हो तो आ जाना, बता दूंगा। तो ये डीएल पेयर होता है, ये आप लोगों को पता है डीएल पेयर, तो दो हो जाएगा, ठीक है। अभी कायरल सेंटर होगा ये पता है, वो कराने तो बाद में बताऊंगा। तो ये आपको अगर बोलेंगे कि इसका अगर मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितना होगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स अगर बोल देगा तो 3। यही क्वेश्चन पूछता है। नीट से लेके जेई मेन से लेके जे एडवांस तक जाओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन टारगेट करता है मोनोब्रोमिनेशन पे। नहीं, आपको बोलेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ये बोल देगा आपको। अगर बोलेगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर तो फिर तो दो ही होगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, एक चेन दिया है और उसमें स्ट्रक्चर बोलेगा तो पोजीशन देखोगे, क्योंकि चेन को तो चेंज नहीं कर सकते हो, जो एल्केन दिया उसको तो चेंज नहीं कर सकते हो आप, उसमें तो ब्रांचिंग नहीं कर सकते हो, तो आप चेन दिया तो पोजीशन पे ही वर्क करेंगे, तो वो देगा स्ट्रक्चरल। इसमें अगर बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जाएंगे तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएगा 2, और स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा, दो ही होगा वो। डीएल पेयर जो है कायरल सेंटर वहीं से लेंगे ना, सेस ट्रांस होता तो उसको स्टूडियो में लाते, डेक्सट्रोलेब होगा उसको स्टूडियो में लाएंगे, पोजीशन को तो स्टूडियो में नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो तो कायरल सेंटर है ही नहीं उसमें। नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टूडियो आइसोमर्स तो कितना हो जाएगा, सही। देखो नेट में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्लोरीनेशन करने पे या ब्रोमिनेशन करने पे विच वन कार्बन विल गिव द कायरल सेंटर, ये पूछेगा, तो यहाँ पे कायरल सेंटर आएगा। फिर पूछेगा आपसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो टू, टू टाइप्स का हो जाता, टू बोल देंगे। मेजर माइनर वो बोलेगा नहीं, आपको मेजर बोलता तो ये 2 डिग्री मेजर 1 डिग्री क्या होगा माइनर ब्रोमिनेशन में, आप बोले नंबर ऑफ आइसोमर्स तो 3 बोल देंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कर लेंगे। तो वहां मैंने एक क्वेश्चन दिया था, देखो क्या मैंने बोला था, CH3 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, देखना मैंने दिया था CH3 CH2 हाइड्रोजन हो गए ये CH3 CH2 CH3। बेटा सबसे पहले हाइड्रोजन टाइप्स देखो, ये हाइड्रोजन का टाइप था ये, हाँ हाँ बस रुको, कितना टाइप्स का हाइड्रोजन है, तो 4 टाइप का क्या आ जाएगा पोजीशन। आप डिग्री पे देखो, मैंने क्या बोला था, कनेक्टिविटी चेक करना, डिग्री पे मत जाना, डिग्री पे जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे, यहाँ पे डिग्री पे कर भी लेंगे आप, क्योंकि डिग्री पे भी देखो ये क्या है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये दो डिफरेंट, ये दो आइडेंटिकल है, ये डिफरेंट है, क्योंकि जब भी आप पोजीशन मान लो एक एल्केन पे क्लोरीनेशन करके अगर पोजीशन आइसोमर्स लाओगे तो डिग्री पे कभी जाना ही नहीं, क्योंकि डिग्री पे अगर जाओगे तो पकड़ ही नहीं पाओगे, कनेक्टिविटी चेक करते हम लोग, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर क्लोरीन देंगे या ब्रोमीन कुछ भी देंगे, इसका नेमिंग जो होगा वो क्या होगा, 1-क्लोरो-3-मिथाइल-पेंटेन, और इस पे अगर क्लोरीन देंगे तो इसका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो-2-इथाइल-ब्यूटेन। अब थोड़ा सोचो ना, मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, तो नेमिंग क्या करोगे, 1-2-3-4, ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1-क्लोरो-2-इथाइल-ब्यूटेन। तब बताओ यहाँ पे क्लोरीन दिए यहाँ पे क्लोरीन दिए, दोनों का नेमिंग सेम था, नहीं डिफर था, इसलिए डिफर, इसी में कनेक्टिविटी में डिफर करके अगर क्या करते हैं सेम हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन देता है
सब पे क्लोरीन देके देखते हैं कि इस पे क्लोरीन है, इस पे क्लोरीन। 1 डिग्री मान लो कि वी आर गेटिंग द ऑल, मान लो कि 1 डिग्री है। नाउ चेक द वेदर, दिस 1 डिग्री हैव द सेम कनेक्टिविटी और डिफरेंट। सिंपल है कि 1 डिग्री पे एक बार क्लोरीन दिए, नेमिंग कर दी, दिमाग में कर दी, आ जाएगा वो। इस पे भी 1 डिग्री पे मैंने क्लोरीन देखे, फिर दिमाग में थोड़ा क्लोरीन नेमिंग कर लिए, देख रहा हूँ कि नेमिंग डिफर कर रहा है, मतलब कनेक्टिविटी डीपर है। हाँ देखो एक काम करते हैं, देखो और बताता हूँ, सुनो सुनो बताता हूँ। अगर मैंने इस पे क्लोरीन रखेंगे, इस पे क्लोरीन रखेंगे तो नेमिंग सेम होगा, हो गई। उसी के बेसिस पे मैंने बोला यहाँ पे कितना टाइप का होगा हाइड्रोजन, 4 टाइप का। तो 4 टाइप का हाइड्रोजन होगा तो फोर्थ पोजिशन आइसोमर्स होगा। तो क्या क्या पोजिशन आइसोमर्स होगा, देखो मैंने क्लोरीनेशन करवाया था लाइट के प्रेजेंस में, देखो क्या बनेगा आपका। बॉन्ड लाइन ले, ऐसे लिख लो बॉन्ड लाइन ले लो, कितना कार्बन है ये देखो, दे दिया मैंने ये क्लोरीन। कौन सा पार्ट लाया पता चला? कौन सा पार्ट लाया? कौन सा पार्ट पे गए? अच्छा हो गई, रिपीट नहीं होना चाहिए, एक और बनाएंगे। नीचे और जाएगा उसी से बनाएंगे ना। हाँ होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कितना टाइप का है देख, चेक करो तो, क्योंकि उस पे जो मैंने करवाया था उस पे ऑलरेडी आ गया था। देखो वन क्लोरो टू इथाइल ब्यूटेन, आगे इसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आप फिर इस पे दोगे तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, इस पे देंगे तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। यही बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग रिपीट हो जाएगी इसलिए छोड़ दो यहीं पे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ क्या, दिस कंपाउंड हैविंग वन कायरल सेंटर, दिस कंपाउंड हैविंग टू कायरल सेंटर, दोनों का दोनों डिसिमिलर। कायरल सेंटर वन है तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितना आएगा, टू। कायरल सेंटर टू है तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितना हो जाएगा, टू का एक्सपोनेंट कितना, फोर। इसमें तो एक ही लेंगे, इसका तो एक ही लेंगे, बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा टोटल, कुछ आइडिया लगा हेलोजनेशन कैसे करेंगे? कर लेंगे, चलो आगे। हेडिंग दो कन्फर्मर्स, देखो कन्फर्मर्स, देखो कन्फर्मेशनल, एसोमेरेज, एक होता कॉन्फिगरेशनल, उसमें था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, एक क्या होता कंफर्मेशनल, उसमें आ गया कंफर्मर्स। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्यों होता, ड्यू टू रोटेशन अबाउट ए बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड ही में रोटेशन था ना, पाई बॉन्ड में तो रोटेशन ही था। और याद होगा ये ओपन चेन में होता था, क्लोज चेन में नहीं, क्लोज चेन में रोटेशन नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये इथेन, पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होता,
कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, राइट। अब सुनो क्या होता है, ये है, आप इसको ऐसे व्यू करोगे, मतलब आपके तरफ एक हो गई है, ये आपका रियर पे होगा, मतलब मेरे तरफ से मैं इसको व्यू कर रहा हूँ, आप अपने तरफ से इसको व्यू करोगे, जो आप व्यू करोगे वो फ्रंट होता है और उसके एडजेसेंट कार्बन बैक होता है, और यहाँ पे मेरे को रोटेट करना है, तो देखो रोटेशन पॉसिबल है ना, देखो रोटेट कर पा रहा हूँ, मेरे को क्या करना है कि ये जो दो कार्बन है इसमें एक कार्बन को मैं फिक्स कर दूंगा और दूसरा कार्बन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, मैं कितना भी एंगल से रोटेट करूंगा ओरिएंटेशन चेंज होगा, मतलब कि ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कितना डिग्री से आप एंगल से चेंज करो, 1 डिग्री से भी चेंज करेंगे तो ओरिएंटेशन चेंज होगा, 10 से भी करेंगे तो ओरिएंटेशन चेंज होगा, 180 से भी करेंगे तो ओरिएंटेशन क्या होगा, चेंज होगा, मतलब थ्रू आउट द 360 आप कुछ भी नंबर, कुछ भी एंगल से रोटेट करो, दे डिफर इन द ओरिएंटेशन, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द कनेक्टिविटी, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द कनेक्टिविटी, यू आर गोइंग टू चेंज द ओनली ओरिएंटेशन, 360 पे सेम होगा, 360 पे तो आप रोटेट करोगे तो सेम हो जाएगा, 180 में बोल रहा हूँ, 180 का मतलब क्या होगा, 180 का मतलब ये हुआ चेंज तो ही गया, अरे देखो ये है ऐसे को 180 पे रोटेट कर दिया, देखो ये था ऑलरेडी, इसको 180 पे मैं रोटेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा, हो गया ये चेंज तो हो गया ओरिएंटेशन, मैं 360 पे, थ्रू आउट 360 होगा लेकिन लेस देन 360 पे रोटेट करना, आप देखो यहाँ पे कि इसको आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे, तो आप ऐसे जब ऑब्जर्व करोगे तो ये होगा आपका फ्रंट, तो ये होगा आपका रियर, यानी ये रियर होगा तो ये क्या होगा फ्रंट, ये अगर फ्रंट लिया आपने तो ये क्या होगा रियर, आप फ्रंट की तरफ देखोगे, किसके तरफ देखोगे फ्रंट की तरफ, तो देखो मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पे मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो ऐसे देख रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, तो मैंने ये देखो ये हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सहर्स प्रोजेक्शन, आपने स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में देखा होगा सहर्स प्रोजेक्शन, ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन, कर लेंगे सार्स प्रोजेक्शन, आए समझ में, सार्स प्रोजेक्शन ऐसे ही लाइन रहेगा जैसे स्लैंटिंग लाइन बताते हो ना वैसे ही लाइन रहेगा, तो नीचे जो रहेगा वो आप उधर से व्यू करो, मतलब कि मान लो सृजित है यहाँ पे, है कहीं पे, अब यहाँ से देख रहा है वो, तो ये है फ्रंट, ये क्या रियर, ऐसे देखा जाता, क्योंकि लैब में देखते हो ना, तो साइंस की लैब में देखना था कोई मॉलिक्यूल का ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखने का ट्राई करता, ऐसे करके देखने का ट्राई करता है, इसलिए फ्रंट होता था, ये क्या होता है रियर, उसी को बोलते हैं सार्स प्रोजेक्शन। अब देखो अब इसके बाद क्या आ जाएंगे, देखना आप क्या आ जाएंगे, ये फ्रंट जो कार्बन होगा, फ्रंट कार्बन को डिनोट कर देंगे हम लोग इससे, देखो एक डॉट ले लेंगे, और रियर कार्बन जो होगा उसको हम लोग डिनोट कर देंगे सर्कल से, ये हो जाएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होगा देखो कैसे होगा, इसी को कर रहे हैं हम लोग, देखना ये एक सर्कल लिया, ये कौन होगा कार्बन, रियर, और बीच में एक डॉट ले लिए फ्रंट, फ्रंट तो आप इधर देख रहे हो, देखो तो हाइड्रोजन कैसे कुछ ऐसे ही कनेक्ट है ना, देखो तो रियर देखोगे तो कुछ हाइड्रोजन ऐसे ही कनेक्ट है ना, जस्ट उसके पीछे है ना, देखो देखो ना मैंने क्या बोला, देखो आप देखो फ्रंट से देखो आप, देखो देखो इधर देखो, देखो लिखना बंद करो, देखो फ्रंट से देखो आप, ये फ्रंट देख रहे हो तो ये रियर है, देखो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन उसके पीछे, ये हाइड्रोजन उसके पीछे, तो जो भी हाइड्रोजन लेंगे तो उसके जस्ट बिहाइंड है वो, मतलब इसके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, तो ये बॉन्ड एंगल होता है नहीं, ये डाई हाइड्रल एंगल होता है, बॉन्ड एंगल किसको बोलते हैं, सुनो बॉन्ड एंगल होता है इसके इसके बीच में, एडजेसेंट बॉन्ड पेयर के बीच को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, ये और ये तो एडजेसेंट बॉन्ड पेयर है ही नहीं,
उसको बॉन्ड एंगल बोलेंगे हम लोग। आप जब कन्फर्मर्स लिखते हो, जब ऑरिएंटेशन चेंज करते हो, तो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ नहीं चेंज करते हो आप, ऑरिएंटेशन चेंज करते हो। मीन्स जो रोटेट करते हो उसमें बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, उसमें क्या चेंज होता है? ऑरिएंटेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टैगर्ड गॉची जो भी बोलेंगे, दे डिफर इन द बॉन्ड एंगल? नो, दे हैव द सेम बॉन्ड एंगल, दे डिफर इन द डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल क्या होता है? एडजेसेंट ग्रुप के बीच का एंगल होता है, तो उसको कभी बॉन्ड एंगल नहीं बोलते हम लोग। आई बात समझ में? ये फ्रंट कार्बन रियर कार्बन आया समझ में? अब फ्रंट रियर हमेशा एडजेसेंट कार्बन होता है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कोई चेन होगा, तो अगर ये फ्रंट लिए तो ये रियर होगा, अगर ये फ्रंट होगा तो ये भी रियर हो सकता है। मतलब क्या बोले, एक कार्बन पकड़ा उसका एडजेसेंट कार्बन ही रियर हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये फ्रंट लिए, मान लो कि आपने ये फ्रंट लिया तो ये रियर होगा, तो बीच में क्या ये लटकते रहेगा कहीं पे? नहीं, फ्रंट रियर कार्बन एडजेसेंट कार्बन होता है, याद रखोगे? अब देखो क्या होता है इसमें, इसको बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूमन प्रोजेक्शन। तो न्यूमन प्रोजेक्शन आई समझ में? सार्ज प्रोजेक्शन आ गया समझ में? एक होता है सार्ज प्रोजेक्शन, एक क्या होता है? न्यूमन प्रोजेक्शन। स्लैंटिंग लाइन के साथ लिखोगे तो क्या होगा? सार्ज। आप सर्कल अप फ्रंट लेंगे डॉट पे, क्या होगा? न्यूमन। दो प्रोजेक्शन आ गया। दोनों प्रोजेक्शन से किसको दिखाते हम लोग? ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं हम लोग, कन्फर्मर्स की तरफ जाते हैं। देखो बता रहा हूँ, कर ले कॉपी ये। अब ये देखो, अब इथेन का बात कर रहा हूँ मैं। इथेन में देखो क्या होता है, ये कौन सा कार्बन है बेटा? अब देखो एक चीज, मैं पहले इससे बताने दो, उसका बता देता हूँ। देखना, एक फ्रंट है, एक रियर है। आप क्या करोगे, 60 डिग्री से मैं रोटेट करूंगा, रियर कार्बन को ठीक है, इसको फिक्स करेंगे। देखो अगर ये आपका फ्रंट है तो ये आपका रियर है, ऐसा ओरिएंटेशन है अभी। देखो ऐसा ही ओरिएंटेशन रखा कि नहीं मैंने, है ये। मैं क्या करूंगा, ये रियर, ये फ्रंट है, ये रियर है, किसी एक को मैं रोटेट करूंगा। अगर आप फ्रंट को रोटेट करोगे तो बैक को फिक्स कर दो, फ्रंट को फिक्स करोगे तो बैक को रोटेट करो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऑब्जर्व करना है, दोनों एक साथ नहीं होगा, एक को फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। या तो फ्रंट को फिक्स करोगे तो बैक को रोटेट करो, बैक को फिक्स कर दोगे तो फ्रंट को रोटेट करो, आप पे डिपेंड होगा। लेट कर लो कि मैंने यहाँ पे फ्रंट को, मैंने ये देखो, ये एक हाइलाइटर यूज करता हूँ, ये कौन सा कार्बन का? ये अच्छा बैक का ये। तो ये अगर बैक का है इसमें, तो क्या करता हूँ सुनो, मैं बैक को रोटेट करता हूँ, फ्रंट कार्बन को मैंने क्या क्या फिक्स किया, तो रोटेट किया इसको, क्या बैक को। आप क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज, वो आप पे डिपेंड है। देखो मैंने क्या किया, कितना एंगल से रोटेट किया। तो देखो ये जो फ्रंट हो गई, हाइड्रोजन जैसा था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। रिमेनिंग आप जो 3 हाइड्रोजन होगा उसको मैं क्या करूंगा, देखो ये कुछ दे दिया मैंने ऐसा। अगर इसके बीच का एंगल बोलेंगे, इसके बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा, जस्ट उसके बिहाइंड है वो। आप बोलोगे कैसे बोलेंगे सर 60 डिग्री? तो एक काम करो, मैं बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल बता रहा हूँ। देखो कैसे, अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर 60 डिग्री आप कैसे समझाते। देखो क्या होता है, मान लो कि मैंने इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया। आप सेंटर पे देखो ये, अब देखो यहाँ पे कि आप ऐसे करके देखो, ये 2 है, इसको क्या लिए? 1 लिए, इसको क्या लिए? 3 लिए। आप देखो ये 1 एंड 2 के बीच का कितना एंगल है? 120। और 2 से 3 का कितना? 120। और 1 से 3 के बीच का कितना? अगर 1 को 2 पे लेके चलाएंगे, 2 को 3 पे, 3 को अगर 1 पे, तो वो तो 120 हो जाएगा। फिर सुनो, 1 को अगर 2 के साथ, जहां भी 2 है वहां पे अगर 1 को लेके चले गए, जहां भी 2 है वहां अगर 1 को लेके चले गए, 2 को लेके चले गए 3 के पोजिशन पे, और 3 को लेके चलेंगे 1 के पोजिशन पे, तो क्या हो जाएगा वो? 120।
120 का रोटेशन है, वो है ये 120 का। अगर मैंने क्या कि इसके मीट पॉइंट पे अगर 1 को मैंने यहाँ पे लेके आ गया और 2 को अगर मैं यहाँ पे लेके आ गया, वो क्या दिखाएगा, 60 या 120? 60, मैंने वही काम किया। देखो अगर इसको इसके पोजिशन पे लेके आ जाता तो क्या हो जाता, वो 120। लेकिन अगर मैंने इसको और इसके बीच के पोजीशन पे रख दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, 60। आई बात समझ में, बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है वो, ये जो आप ले रहे हो ये एक ट्रायंगल ही फॉर्म करके लेके चलोगे, क्योंकि ये देखो ये एंगल तो क्या होगा, आप देखो ये तीनों एंगल है, ये आप कितना एंगल लोगे, 120 तो लोगे। एक्चुअल नहीं होगा, एक्चुअल नहीं होगा, वो जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एक्चुअल 120 नहीं है वो, एक्चुअल 110.5 ही है, एक्चुअल नहीं, मैं बता रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में। 60 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब इस पॉइंट से देखेंगे ये कैसे, उससे नहीं इस पॉइंट से देखेंगे कहाँ पे आएगा वो। अब देखो ये स्टेट ले लो, ये भी स्टेट ले लो, ये भी स्टेट ले लो, तो आप कितना हो गया, 120 120 का बनेगा। अब इसको इसके बीच में अगर इसको रोटेट करके लाएंगे तो कितना रोटेशन होगा, 60। अगर इसको इसके पोजीशन पर लेके आएंगे तो कितना होगा, 120। वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो 189 को अगर हाफ करेंगे तो वो पकड़ ही नहीं पाओगे, 54 पॉइंट समथिंग लेंगे तो उस पर नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए उस पर नहीं ऑब्जर्व किया जाता, ऑब्जर्व किया जाता है स्ट्रेट पकड़ के। तो बताओ कितना पे आएगा, 60 पे आएगा वो। आप बताइए ये एंगल कितना है इसके बीच में, 0 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना, 0। इसके बीच का एंगल क्या है, 0। देखो तो ये बॉन्ड पेयर बहुत क्लोज आ गया कि नहीं। अब बॉन्ड पेयर अगर क्लोज होगा तो वहां पे रिपल्सन भी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उसका क्या होगा, कम होगा। अगर मैंने इसको फार अपार्ट कर दिया तो बॉन्ड पेयर देखो किसी के क्लोज है, बॉन्ड पेयर नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा है, तो रिपल्सन वहां पे क्या होगा, कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो होगा सबसे स्टेबल फॉर्मेट होगा यहाँ का, और ये जो होगा ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि बाउंड पेयर सबसे एडजेसेंट है, तो ये होगा सबसे स्टेबल, ये होगा सबसे लीस्ट स्टेबल। इसके अलावा कुछ भी करो तो उसके बीच में आएगा उसका स्टेबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सट्रीम पे वर्क करते हैं, क्योंकि कन्फर्मर्स कितना पॉसिबल है, इनफाइनाइट, क्योंकि एंगल तो फिक्स नहीं है आपका, 60 डिग्री तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपका, मैं तो ऑब्जर्व करने के लिए 60 डिग्री भेज दिया, आपको क्वेश्चन भी पूछेगा 60 डिग्री पे ही रिस्पेक्ट में पूछेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लेके बोल दिया आपको, लेकिन कन्फर्मर्स पॉसिबल कितना होगा, इनफाइनाइट, इसीलिए नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फर्मर्स नहीं पूछता, सम एक्सट्रीम्स ऑफ कन्फर्मर्स विच आर द मोर स्टेबल विच आर द लेस स्टेबल दैट आर इम्पोर्टेंट। आई बात समझ में, कन्फर्मर्स कभी ये नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी पॉसिबल कन्फर्मर्स, हाँ ये पूछेगा आपसे, एक मान लो कि कंपाउंड दे दिया, बोले कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेबल कन्फर्मर्स विद द जीरो डायपोल मोमेंट, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, स्टेबल कन्फर्मर्स लेगा मतलब बाउंड पेयर रिपल्सन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो बल्कि ग्रुप को जितना ज्यादा डिस्टेंस पर रखोगे स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगी। यहाँ तो कोई बल्कि ग्रुप है नहीं, यहाँ तो क्या है, हाइड्रोजन ही है, इससे ज्यादा आप क्या डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ मेंटेन नहीं कर सकते हो, ऐसे क्लोज भी क्या ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, ये तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये सबसे क्या होगा, लेस स्टेबल, अब जो भी है ऐसे के बीच में है। आई बात समझ में, तो देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं इसको, इसको लिखते हैं स्टैगर्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स, ये 1 लिए 2 लिए। अब बताइए एक होता है आपका टॉर्सियोनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब ही होता है कि स्टेबिलिटी कम करना, स्ट्रेन का मतलब ही होता है अगर कहीं पे मान लो स्ट्रेन आ रहा है, आपको पेन आ रहा है, इसका मतलब आपको पेन होगा, ये स्ट्रेन आएगा, फिक्स है, तो स्ट्रेन का मतलब ही होता है स्टेबिलिटी कम करना, तो स्ट्रेन यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, ये तो लिखो, इट इज रिपल्सिव, इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट ग्रुप्स और एटम्स ड्यू टू किसके चलते,
स्टेरिक कंजेशन। अब तो स्टेरिक कंजेशन के चलते अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा। अब बताइए टॉर्सनल स्ट्रेन जब जाएंगे यहाँ पे, टॉर्सनल स्ट्रेन तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? एक्स टू ग्रेटर देन वन, तो पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होगा? नो, जिसमें टॉर्सन स्ट्रेन ज्यादा होता है रिपल्सन ज्यादा होता है उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, क्योंकि इनर्जेटिकली जितना आप से इनर्जेटिकली जितना आपका लेस होगा, जितना अट्रैक्शन होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपोजिट चार्ज में जितना स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है ना उतना पोटेंशियल एनर्जी कम था, और रिपल्सन जितना होता है ना पोटेंशियल एनर्जी उतना क्या होता है सिस्टम के इंक्रीज होता है। हाई पोटेंशियल का मतलब आप इनर्जेटिकली हाई एनर्जी में है तो स्टेबिलिटी आपका क्या होगा? लेस। और पोटेंशियल एनर्जी इतना लो होगा इसका मतलब उतना थर्मोडायनेमिक क्या है? स्टेबल। तो बताइए किसमें टॉर्सनल स्ट्रेंथ ज्यादा है? टू में, तो पोटेंशियल भी किसका होगा? टू का वन से। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? वन ग्रेटर देन टू। तो इथेन में कितना नंबर पॉसिबल है सुमर्स कन्फर्मर से? इनफाइनाइट। बट विच वन मोर स्टेबल? स्टैगर्ड, बिकॉज बॉन्ड पेयर फार अपार्ट एज फार एज पॉसिबल। कर लेंगे आई बात समझ में? कर लोगे ये? मैंने तो किस पे बताया, अभी इथेन पे ना। अब चलते हैं दूसरा मॉलिक्यूल पे, क्वेश्चन कैसे होगा वो भी बताएंगे। तो फर्स्ट करो, देखो कर लिए कॉपी ये। अब सुनो क्या होता है इसमें, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, एक मैंने प्लॉट लिया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल का, डायट एंगल लेकिन बॉन्ड एंगल नहीं होता, एडजेसेंट कार्बन पे एडजेसेंट ग्रुप का देखेंगे हम। ठीक, तो ये को देखो 60 पे रोटेट करो तो जीरो से मैंने क्या लिया 60, 120 डिग्री, फिर क्या होगा 180 डिग्री, फिर क्या होगा 240 डिग्री, ऐसे करके लेंगे। तो बताइए जीरो पे डायट एंगल क्या था इक्लिप्स में? तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा उसका, उसका 60 के बाद क्या आ गया था? स्टैगर्ड आया था, उसकी एनर्जी कम आ जाएगा। देखो एनर्जी एनसीईआरटी में जाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ दिया होगा, इसकी एनर्जी कम कर दो आप 60 पे, 60 के बाद फिर बढ़ेगा, फिर जाएगा वहाँ पे, फिर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे करके चलते जाएगा। ये आप ये हमेशा याद रखना, ये क्या होगा आपका वन, ये क्या होगा आपका टू। देखो ये टू यहाँ पे, आई बात समझ में? वन क्या था, वन क्या था? तो जीरो से आपका जीरो डिग्री एंगल कहाँ पे रखा? हाँ, तो जीरो डिग्री कहाँ पे रखा था आपने? तो वो डायडल एंगल जब स्टार्ट करते हो तो जीरो का ही से स्टार्ट करते हो लोग, 60 डिग्री, फिर आपने डायडल एंगल कब बनाया था? आपने रोटेटिंग 60, तो क्या आ गया था वो? स्टैगर्ड, तो वन था वो। ये अब ये क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ एनर्जी बैरियर भी होगा, इसके बीच में एनर्जी बैरियर होगा कि नहीं? एनर्जी बैरियर जो होता है ये होता है 12.5 किलो जूल पर मोल्स का, एनर्जी बैरियर। और ये एनर्जी बैरियर इतना कम हो कि रूम टेम्परेचर पे उसको एनर्जी मिल जाता है, मतलब स्टैगर्ड इक्लिप्स बहुत फास्ट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए आप इसको आइसोलेट ही नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? रूम टेम्परेचर पे देखो एक डिमांड हो गई है, मतलब एक फॉर्म दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो इतनी एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आपको रूम टेम्परेचर पे ही मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगा, तो रेपिडली कन्वर्ट होते चला जाएगा, पकड़ ही नहीं पाओगे कौन सा फॉर्म है वहां पे। आई बात समझ में क्या? वो तो हर जगह, कहाँ पे मिनिमम है कहाँ पे लेस है, 100% तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे आप, रिपल्सन था ही, मतलब पॉजिटिव में तो रहना ही है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो लेंगे ही नहीं। नहीं, मैं स्टैगर्ड फॉर्म ये बता रहा हूँ, एडजेसेंट बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं तो हमेशा रिपल्सन को ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी तो मोर देन जीरो तो होगा ही, मैंने अदर इंट्रैक्शन को कंसिडर ही नहीं किया। वो अदर इंट्रैक्शन तो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी वो क्यों मैं लूंगा, मैं तो बता रहा हूँ कन्फर्मर्स।
ये 180 पे देखो, ये 180 आ गई है, चेंज हो गया कि नहीं देख लो आप। देखो यहाँ पे, देखो इधर, ये क्या था? मान लो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 60 देंगे तो क्या आ जाएगा? फिर 60 देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 60 देंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा तो वही तो आते जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग तो मैंने किया। 0 से 60 आया था स्टैगर्ड, 0 पे लिया था क्या मैंने इक्लिप्स, 60 पे स्टैगर्ड, तो नेक्स्ट 60 पे क्या जाएगा? इक्लिप्स, फिर क्या जाएगा स्टैगर्ड, फिर क्या जाएगा इक्लिप्स? सेम तो आएगा नहीं, वो कर लेंगे अब। आइए 60 डिग्री के मल्टीपुल जाएंगे, देखो अभी लिखो ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है CH3, CH2, CH2, CH3। देखो इसमें क्या होगा, ये दो कार्बन लिया मैंने, एक को फ्रंट लिया एक को रियर लिया। देखो फ्रंट कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है, फ्रंट पे कौन कौन सा ग्रुप हाइड्रोजन है और कौन है? हाइड्रोजन है ना। रियर पे कौन है? है। यहाँ पे तो क्या करेंगे, देखो आप, फ्रंट कार्बन रियर कार्बन, तो ये फ्रंट ले लिए रियर ले लिए। देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, और ये मैंने CH3 ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन। बताओ तो इससे लेस स्टेबल कौन सा होगा इसमें? इससे भी कोई लेस स्टेबल कंफर्मर्स होगा इसका? इसका आप देखो ये, आप सिंपल सोचो कि ये बल्कि ग्रुप सब है कि नहीं है सब? ये तो छोटा छोटा है, ये सब ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन किस में होगा? CH3 CH3 में। आप इमेजिन कर सकते हो कि इससे भी लेस स्टेबल कंफर्मर्स आएगा इसका? नहीं, ये सबसे लेस स्टेबल है। ऑपोजिट साइड में वो स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल मैं बोल रहा हूँ, लेस। ये क्या होगा, फुल्ली इक्लिप्स क्या हो जाएगी? ये फुल्ली इक्लिप्स, ये वन हो गया। आप 60 डिग्री पर रोटेट करो, फ्रंट को फिक्स कर देना, रियर को रोटेट करना। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, आप देखो ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कुछ जाएगा बेटा ऐसा? अब इसके बीच का एंगल कितना होगा? पहले दोनों CH3 क्लोज था, मतलब पहले कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले कुछ ऐसा था, ये देखो ये बल्कि ग्रुप ले लिया मैंने CH3, एक यहाँ पे मान लो कि आपको बता दे रहा, देखना यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप ले लिया मैंने CH3, ये देखो ये रेड कलर, देखो ऐसा था पहले ये, देखो एडजेसेंट है नहीं है, तो बहुत रिपल्सन स्ट्रांग होगा। हाँ अब मैंने उसको 60 से रोटेट किया तो कुछ ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा ना कुछ ऐसा? देखो पहले ये था, अब मैंने 60 से रोटेट किया कुछ ऐसा आ जाएगा, तो उसको तो आप स्टैगर्ड नहीं बोलोगे, क्योंकि स्टैगर्ड में तो ये आना चाहिए, ये स्टैगर्ड है, बल्कि ग्रुप फॉर एट एज फॉर एज पॉसिबल, वेरी क्लोज तो ये है, तो ये क्या होगा, कुछ नया आएगा? गॉची बोलते इसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्क्यू, इसी को बोलते हम लोग SQ, हाँ स्क्यू जो बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग, कर लेंगे SQ, इसी को बोलते हैं। फिर 60 से रोटेट करके देखो क्या आ जाएगा, देखो ऐसा था ना, फ्रंट को मैंने फिक्स किया, अब फिर इसको रोटेट किया था, देखो फिर इक्लिप्स आ गया। देखो एक बॉन्ड पर दूसरा के पीछे दिख रहा है ना आपको, लेकिन ये फुल इक्लिप्स नहीं है, पार्सल इक्लिप्स है, लेकिन ये इक्लिप्स, जब बॉन्ड पर सब एक दूसरा के पीछे आ जाएगा तो वो इक्लिप्स हो जाता है। अगर ये बल्कि ग्रुप फार अपार्ट, ये वेरी क्लोज होगा तो फुल इक्लिप्स, और ये आएगा तो ये क्या होगा, पार्सल इक्लिप्स है तो इक्लिप्स, लेकिन क्या है, पार्सली, क्योंकि बल्कि ग्रुप अभी भी क्या है, 120।
देखो सब कुछ अगर चेंज किए तो कुछ दिख नया नया दिख रहा है ना कन्फर्मर्स यहाँ पे। ये CH3 लेंगे, ये क्या होगा आपका CH3, ये क्या होगा आपका हाइड्रोजन, ये क्या होगा हाइड्रोजन, ये होगा आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड। आपका कुछ भी अब ये बताओ ये 3 हो गया, फिर से एक्सरे से रोटेट करो तो क्या हो जाएगा, देखो अब स्टैगर्ड आ जाएगा। अब फिर से एक्सरे से रोटेट करोगे तो, अब फिर से एक्सरे से रोटेट करेंगे तो, अब आइए बात समझ में। आपको एक कंफर्मर दे देगा, बोलेगा 120 पे रोटेट करेंगे तो बताओ कौन सा फॉर्म आएगा, तो नहीं बता दोगे। ठीक ये क्या होगा हाइड्रोजन, ये क्या होगा हाइड्रोजन, ये क्या होगा CH3, ये क्या होगा CH3। देखो फार अपार्ट एज फार एज पॉसिबल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग स्टैगर्ड, या इसी को बोलते हैं एंटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग एंटी भी बोलते हैं। ये आ जाएगा आपका 4। अब बताओ सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्टैंड किस में होगा फुल इक्लिप्स, टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किस में होगा, फुल्ली इक्लिप्स कौन था वो, देन पार्शियल इक्लिप्स, देन गॉची, देन पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 1 3 2। मगर एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो सबसे टॉप पे कौन होगा, 1, सबसे नीचे कौन होगा स्टैगर्ड, स्टेबिलिटी बताइए। फोर टू थ्री 1, सबसे लेस स्टेबल होता है फुल इक्लिप्स, उसके बाद होता है पार्सल इक्लिप्स, उसके बाद होता है गॉची, सबसे मोर स्टेबल होता है स्टैगर्ड। हाउ मेनी कंफर्मर्स आर देयर, 4, नो कंफर्मर्स आर इनफाइनाइट, दीज 4 एक्सट्रीम्स आर इम्पोर्टेंट राइट। आपसे जब भी पूछेगा 60 के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा आपसे कौन ज्यादा स्टेबल कौन भी सिस्टम, कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू थ्री डायमेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन डायमेथाइल ब्यूटेन लिख रहा हूं, नहीं, टू 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 ही रहने दो, टू टू ही रहने दो, टू टू डायमेथाइल ब्यूटेन टू ही रहने दो, ब्यूटेन है ये, 2-3 डायमेथाइल ब्यूटेन का एक कंफर्मर्स दिया है, ए एन ई है, 2-3 डायमेथाइल ब्यूटेन है ये, ए एन ई है ये कंफर्मर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये बता रहा हूँ क्या, रुको ना अभी, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक्स है, ये CH3 और ये CH3 है, यहाँ पे वाई है। आपको पूछना है कि एक्स क्या होगा वाई क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। मिसिंग सब्स्टिट्यूएंट्स एंड एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना, यही क्वेश्चन खुद से करो कि यहाँ पे 2 मिसिंग सब्स्टिट्यूएंट्स है, योर कंपाउंड है 2-2 डायमेथाइल ब्यूटेन, मैंने क्या बोला 2-2 डायमेथाइल, सही है दोनों हो सकता। देखो यहाँ पे क्या, देखो ये कंपाउंड था आपका CH3 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 CH2 CH3, यही कंपाउंड था ना। आपको क्या करना है सुनो, फ्रंट कार्बन रियर कार्बन आपको सेलेक्ट करना था, तो आपको देखो रियर कार्बन वो सेलेक्ट करना है जिसमें 2 मेथाइल होना चाहिए, आप फ्रंट कार्बन वो सेलेक्ट करना है जिसमें 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, थर्ड क्या मिसिंग होगा मेरे को पता नहीं है। देखो ये अगर मैंने रियर कार्बन लिया, यहाँ पे 2 मेथाइल तो है, हो सकता नहीं है, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इसको ले लिया फ्रंट, सॉरी इसको ले लिया रियर, इसको ले लिया मैंने फ्रंट, अगर ये फ्रंट होगा तो यहाँ पे देखो एक्स होगा हाइड्रोजन,
अब वाई जो होगा वो होगा इथाइल, चेक करो फ्रंट पे क्या था, दो हाइड्रोजन, तो फ्रंट पे दो हाइड्रोजन के अलावा थर्ड भी तो हाइड्रोजन ही है। रियर पे क्या था, दो मेथाइल, तो दो मेथाइल के अलावा एक क्या आ गया, इथाइल। ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपने क्या क्या नहीं देखो, और क्या पॉसिबिलिटी है, यही कंपाउंड्स है। आपने क्या क्या देखो इधर, देखने क्या करेंगे इसमें, इसको मैंने फ्रंट ले लिया, इसको मैं रियर ले लिया, हो सकता नहीं है। तो इसको अगर फ्रंट ले लेंगे और इसको रियर लेंगे तो आप खुद से देख लो, क्योंकि रियर तो वैसे कार्बन को रखना है जिसमें दो मिथाइल होगा, और एक ही कार्बन है जहां पे दो मिथाइल है, तो इसीलिए वो कार्बन जो मैंने, ये कार्बन तो आपको देखो, ये कार्बन जो होगा वो तो रियर बनाना ही है आपको, उसको तो फ्रंट बना ही नहीं सकते क्योंकि उस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है ही नहीं, आई बात समझ में। और इसको तो फ्रंट और रियर बना ही नहीं सकते क्योंकि अगर इसमें अगर रिलेशन दिखाएंगे तो किसी पे दो मिथाइल आई नहीं, तो जो भी लेना है या तो इसके इसके साथ लेना है या तो इसका और इसके साथ लेना, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर इसका इसका साथ दिखाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर इसका और इसके साथ दिखाओगे तो दूसरा पॉसिबिलिटी हो जाएगा। क्या होगा देखो, अगर आप लेंगे यहाँ पे तो एक्स क्या हो सकता है आपका, मिथाइल। वाई भी क्या हो सकता है आपका, मिथाइल। आई बात समझ में। तो यही दो पॉसिबिलिटी लेके ऑप्शन बनाया था वहां पे, तो पूछा था मल्टीपल ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा, आप एक कंफर्मर देगा, मिसिंग होगा बोलेगा कौन सा सब्सटिट्यूशन होगा, ये बताओ कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है सुनो, देखो कार्बन स्टेबल कंफर्मर्स, टू फ्लोरो इथेनॉल, टू फ्लोरो इथेनॉल। मैंने फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे स्टैगर्ड, सेकंड दे रहा हूं आपको पार्शियल इक्लिप्स, थर्ड दे रहा हूं आपको फुल इक्लिप्स। फोर्थ दे रहा हूं आपको गॉची, टू फ्लोरो इथेनॉल। कौन सा हो जाएगा खुद से बताओ, ये नीट और जेई मेन दोनों को पूछा हुआ ये क्वेश्चन। कली कॉपी। इसमें देखो एक सी होता है, क्या देखना, आप सबसे पहले टू फ्लोरो इथेनॉल तो ये होगा आपका, क्योंकि टू फ्लोरो लिए ओ एस द मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके इसमें सेकेंड पोजिशन पर फ्लोरीन होना चाहिए, तो टू फ्लोरो इथेनॉल है। एक फ्रंट कार्बन होगा, एक रियर कार्बन होगा, तो मैंने क्या किया, बल्कि ग्रुप कौन सा है इसमें, फ्लोरीन ना हो, तो मैंने ये फ्रंट कार्बन लिया, यहाँ पे देखो क्या क्या, फ्लोरीन ले लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, दिस वन द ओ एच, दिस वन द एच, दिस वन इज स्टैगर्ड राइट, और एक फॉर्म और लेते हैं देखना, यहाँ पे
यहाँ पे इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मौका मिल गया। ये गौची है और अगर OH को यहां पे रखोगे पार्शियल इक्लिप्स में तो डिस्टेंस है 120 पे नहीं कर पाएगा, थोड़ा और क्लोजर लाना पड़ेगा। फुल इक्लिप्स में क्या होता है कि बोलोगे सर फुल इक्लिप्स होता तो क्यों नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फुल इक्लिप्स में प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि आपने ये OH रखा, ये आपका OH है, मान लो कि ये OH है ये, और ये आपका कौन है फ्लोरीन है। जैसे दोनों क्लोज रहोगे होता क्या है कि किसी भी एटम या ग्रुप को इंट्रैक्ट करने के लिए उसका रूल क्या होता है, ये जो ग्रुप है इसका भी एक वैन डर वाल्स रेडियस है, इसका भी एक वैन डर वाल्स रेडियस है। मान लो इसका वैन डर वाल्स रेडियस एक्स है पिकोमीटर, इसका वैन डर वाल्स रेडियस मान लो वाई पिकोमीटर है। अगर एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स प्लस वाई पिकोमीटर के डिस्टेंस पर अगर ये दोनों आ गया तो फिर बॉन्ड नहीं कर पाएगा, इंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, रिपेल करेगा। मतलब कि वैन डर वाल्स डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। वैन डर वाल्स रेडियस के सम से अगर क्लोजर पे आ गया तो फिर वो कोई भी इंट्रैक्शन दिखाएगा तो रिपल्सन दिखाएगा, अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा स्टेट ऑफ मैटर हटा दिया सिलेबस में, लेकिन आपने देखा होगा जब मॉलिकुलर अट्रैक्शन होता था ना तो मॉलिकुलर रिपल्सन भी होता है। वैन डर वाल्स फोर्स अगर अट्रैक्टिव होता तो वैन डर वाल्स फोर्स रिपल्सिव भी होता है, लेकिन रिपल्सिव फोर्स होता है शॉर्ट रेंज फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा क्लोजर लाओगे प्रेशर इंक्रीज करने पर तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता, पढ़ा होगा आपने। तो वैसे ही दोनों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शॉर्ट रेंज पे लाओगे, वैन डर वाल्स रेडियस से क्लोज लाओगे तब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी अगर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन आपको शो करना दो ग्रुप में तो आप हमेशा गौची से दिखाओगे, फुल इक्लिप्स से नहीं। आई बात समझ में, ना पार्शियल इक्लिप्स से दिखाओगे, ना फुल इक्लिप्स से दिखाओगे, ना स्टैगर्ड से दिखाओगे, गौची फॉर्म से ही दो ग्रुप के बीच में आप मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन दिखा सकते हो, वो गौची फॉर्म से, क्योंकि वही एक ऑप्टिमम डिस्टेंस है जहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता हूँ। आई बात समझ में, इसीलिए क्या एडवांटेज मिला आपको, कोई भी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन दोगे तो उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इसीलिए इस कंपाउंड का गौची फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे क्या होगा आपका डेल माइनस, ये क्या होगा डेल प्लस, ये क्या होगा आपका गौची मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई बात समझ में, कर लोगी। सेम कंपाउंड्स होता है एथिलीन ग्लाइकोल भी होता है, एथिलीन ग्लाइकोल इसका भी कोई फॉर्म बोलेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, गौची ही होगा, क्योंकि OH ग्रुप क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कहाँ पे बनाएगा ये गौची फॉर्म में। मतलब इसका भी अगर मान लो कि आपने गौची फॉर्म बनाया तो कुछ ऐसा होगा, ये एच होगा, ये एच होगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है ना, किस मार रहा वो, ये डेल प्लस होगा, ये क्या होगा आपका डेल माइनस। देखो सेलेक्टिव मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, और भी क्वेश्चन मिलेगा, और भी करवाऊंगा आपसे क्वेश्चन, लेकिन कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन बना दिया तो ये तो पकड़ लोगे कंफर्मर्स पे कैसा क्वेश्चन आता है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, एक और आता है जो बताऊंगा, ठीक। जेईई में नीट लेवल का भी क्लास चलता है तो इसमें आप बना लेंगे, एडवांस का क्लास चलेगा तो और भी कुछ बताऊंगा। यही था आपका कंफर्मर्स, मैंने बता दिया कंफर्मर्स साइक्लोएल्केन में क्या होता है, वो कंफर्मर्स में बताऊंगा, जेईई एडवांस की क्लास में भी नहीं, ठीक, वो बताऊंगा आपको। नीट में नहीं आता इसीलिए जेईई एडवांस ही में ज्यादा फोकस करते हैं, नीट में जेईई एडवांस में भी बहुत ज्यादा नहीं पूछता उस पर, टेस्टरी सबके लिए पकड़ने के लिए करते हैं, तो कर लेंगे। चले आगे, अब आइए आप पढ़ने जाओगे एल्कीन, अब एल्कीन जो पढ़ोगे उसके लिए चाहिए आपके पास थोड़ा इंफॉर्मेशन काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स का। अब लोगे केमिकल काइनेटिक्स का क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप काइनेटिक्स मैकेनिज्म आप नहीं बता पाओगे। आई बात समझ में, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको काइनेटिक्स का,
उसको चलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक मैकेनिज्म की तरफ। तो काइनेटिक्स का क्या इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, तो लिख लो, नोट करके लिख लो कहीं पे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आई बात समझ में, थोड़ा लिख लो उसके बाद मैं बताऊंगा, ये नोट करके लिख लो। काइनेटिक्स का थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे कुछ भी स्टेप लेंगे आप बोलोगे सर ये आरटीएस क्यों बोला, ये एक्सप्रेशन कहाँ से लाया आपने, इसलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं आर ओ आर। आप एक काम करो, आप फिजिक्स में बोलते हो स्पीड, क्या बोलते हो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डीएक्स बाय डीटी को क्या बोलते हो स्पीड। आपने स्पीड दो पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा एवरेज स्पीड, एक पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस। आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का आपने प्लॉट लिया होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट से आपने इंस्टेंटेनियस फाइंड किया होगा, टाइम इंटरवल होगा तो डी डी एक्स डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से आपने क्या फाइंड किया होगा, एवरेज फाइंड किए होंगे। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, स्पीड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। सिमिलरली जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ भी एक रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बस किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड्स हो रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो यहाँ तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम नहीं होगा, तो यहाँ तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे, काइनेटिक्स जब ऑब्जर्व करोगे तब क्या देखोगे, टाइम टाइम पे क्या चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, टाइम के साथ क्या चेंज होगा प्रेशर ड्रॉप होगा, टाइम के साथ क्या चेंज होगा मोल्स चेंज होगा, मास चेंज होगा, लेकिन मास को कन्वर्ट करोगे किस में, मोल्स में। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम दैट इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, कोई भी रिएक्टेंट का टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसी का भी ले लो पर यूनिट टाइम। डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, काइनेटिक्स में भी एक सिंपल इंफॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए कहीं पे देखना लिखा हुआ रहेगा तो मत बोलना कि सर आपने इतने नहीं पढ़ा है, मैकेनेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को बताने के लिए बता रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या। जैसे मान लो कि ए और बी जा रहा प्रोडक्ट, ए कहाँ पे जा रहा है, बी में, देखो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। जब जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा देखना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी किसी का भी ले सकते हैं हम लोग, बट टाइम इंटरवल किसी के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो सेम होगा तभी तो होगा भाई, क्या होगा टाइम इंटरवल कर लेंगे। अब देखो क्या होता, ये पता है कि मेरे को कि रेट क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा टाइम टू सेट, ठीक ए का कंसंट्रेशन फाइनल माइनस ए का कंसंट्रेशन इनिशियल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ही करोगे ना, डिस्टेंस क्या जाता तो फाइनल बाई इनिशियल ही कर दो ना। हाँ टाइम लेंगे टी टू माइनस टी वन। आप एक काम करो सुनो, ये फाइनल द लेस होगा कंपेयर टू इनिशियल, क्योंकि रिएक्टेंट का तो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली क्या होगा डिक्रीज होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो निगेटिव आएगा, और रेट तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, उसी निगेटिव को हटाने के लिए आर्बिट्रली निगेटिव दे देते हैं। तो व्हेन एवर यू हैव टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जब भी लिखोगे रिएक्टेंट के टर्म में तब ऐसा साइन देते निगेटिव, और जब प्रोडक्ट के टर्म में लाते तो साइन देते पॉजिटिव, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है इंक्रीज होते जाएगा। क्योंकि आप खुद से सोचो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो रिएक्टेंट का क्या होगा डिक्रीज होगा, अब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा कि स्ट्रेट लाइन के साथ होगा, वो काइनेटिक्स पे डिपेंड होता है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो आपसे अभी नहीं पढ़ने में समझ में आएगा। तो किसी सबका क्या होगा डिक्रीज होगा, अब क्या फॉर्मेट होगा डिक्रीज होने का, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा कि स्ट्रेट लाइन से डिक्रीज होगा वो बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन ये तो पता है कि डिक्रीज होगा। अब प्रोडक्ट का क्या होगा इंक्रीज होगा, ये तो फिक्स है आपका, इसीलिए जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप देंगे नेगेटिव साइन, अब विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या देंगे पॉजिटिव
पॉजिटिव साइन, क्योंकि वहां पे फाइनल बोनस निकल के आ रहा है आपका पॉजिटिव, तो वहां पे क्या करेंगे, देखो उसी को इक्वेट कर दिया मैंने, देखो प्लस साइन दे दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ B2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिए अपने B1, और T2 माइनस क्या लिए अपने T1, मतलब सिंपली आप बोलोगे, सिंपली देखो क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू क्या होगा, प्लस DV अपॉन DT हो गई है, ये इंस्टेंटेनियस रेट होगा कि नहीं, इसको क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे कि नहीं आप, समझ में आई है, कॉफिशियंट क्या होगा, कैसे होगा, वो सब छोड़ो, मैं सीधा बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, यूनिट क्या होगा बताइए तो, मोल देखो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, क्योंकि कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर होता है, टाइम इनवर्स लेंगे आप, टाइम सेकंड में देगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर मिनट हो सकता है, तो ये मैं एक इन्फॉर्मेशन दिया कि रेट होता है क्या, तो कैसे रेट मेजर करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, एक होता है रेट लॉ, अब लोग रेट लॉ क्या होता है, तो सुनो लिखना नहीं, मैं एक सिंपल सी बता रहा हूँ, उसके बाद लिखना सुनो, मान लो ए और बी कंबाइन करके बना रहा है सी और डी, लेट कर लो, पहले बोले लिखना नहीं है, पहले सुनो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ए का कॉफिशियंट कितना, ए का एक्सपोनेंट कितना, कॉफिशियंट कितना है 2, मैं देख रहा हूँ, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन पर्टिकुलर दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, वो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग हमेशा रेट लॉ से, कहाँ से एक्सप्रेस करते हैं, रेट लॉ से, मतलब ये बोलूंगा कि मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, नाउ देर मस्ट बी द सम कोफिशिएंट, के कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट में लिख रहा हूँ, अब क्या होगा कि कुछ तो एक्सपोनेंट होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ तो एक्सपोनेंट देखा 2, तो मैं 2 कर दूंगा, नहीं रॉन्ग है, यहाँ पे मैंने 1 देखा 1 कर देंगे, नहीं रॉन्ग है, मतलब इस पे एक्सपोनेंट क्या आएगा, इस पे एक्सपोनेंट क्या आएगा वो डिटरमाइंड होता है एक्सपोनेंट, कहाँ से डिटरमाइंड होता है वो एक्सपोनेंटली, मतलब किसी रिएक्शन को आप किसी रिएक्शन को देख के रेट लॉ नहीं लिख सकते, आई बात समझ में, कोई रिएक्शन हो रहा है अब मैं बोलूंगा इस रिएक्शन के रेट लॉ लिखो, तो आप नहीं लिख सकते हो, तब बोलोगे सर कैसे लिखूंगा, जब तक आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं देगा तब तक आप नहीं लिखोगे, तो कहाँ से आएगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ था, क्योंकि किसी रिएक्शन का अगर हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल में तो उसी को बोलते रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन आता है, आई बात समझ में, तब कैसे होता था, देखो क्या होता है, देखो साइंटिस्ट ने क्या क्या, सुनो एक बार साइंटिस्ट ने क्या, बी के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया, कंसंट्रेशन ए का चेंज किया, तो देखा कि रेट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, आई बात समझ में, फिर क्या किया, एक बार कंसंट्रेशन ए को फिक्स कर दिया, किसको फिक्स किया, ए को, अब बी का कंसंट्रेशन को चेंज किया, फिर देखे रेट पे क्या इंपैक्ट होगा, तो मान लो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कंसंट्रेशन ए को फिक्स कर दिए, बी को मैं कितना भी टाइम्स इंक्रीज करेंगे रेट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब बी का एक्सपोनेंट होना चाहिए 0, अरे सुन नहीं यार पहले पढ़ाने तो दो, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे ही है, सुनो मैंने क्या बोला कि ए को अगर कॉन्स्टेंट के बी को चेंज किए तो रेट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्सपोनेंट 0, आई बात समझ में, फिर मैंने क्या किया, बी को कांस्टेंट किया, ए को मैंने चेंज किया, मैंने देखा कि ए को अगर डबल किए तो रेट भी डबल हो गया, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए, अगर इसका तो 0 आ गया, इसको अगर डबल किए तो ये भी डबल हो गया, तो इसका एक्सपोनेंट तो 1 होना चाहिए ना, अगर इसको डबल करेंगे तो इसका डबल होगा तभी तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं तो इसको एक्सपोनेंट 2 होगा तो ये तो हो गया, क्या हो गया, इसको डबल करेंगे तो ये क्या होगा 4 टाइम्स, अगर इसका एक्सपोनेंट 1 लिए तो इसको डबल करेंगे तो रेट भी क्या होगा डबल,
साइंटिस्ट ने ऐसा करके ऑब्जर्वेशन लिया, उस ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन लिया यहाँ पे कि इसका जो होना चाहिए ऑर्डर 0, इसका ऑर्डर होना चाहिए, इसका एक्सपोनेंट होना चाहिए 1। तो बताओ ये कहाँ से आया, आपका एक्सपोनेंटली या थ्योरेटिकली? रेट लॉ यही होता है। रेट लॉ देखिए सुनो, रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपोनेंटली। आई बात समझ में? ये मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि रेट लॉ होता क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन मैं लाऊंगा रेट लॉ का। जैसे रेट लॉ आएगा तब समझ जाना कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहाँ से होगा? मैकेनिज्म के थ्रू आएगा। और भी कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ए को फिक्स करो, बी को चेंज करो, बी को फिक्स करो तो ए को चेंज करो, वो भी ऑब्जर्वेशन वो पढ़ेंगे कहाँ पर हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स में। अभी मैं मैकेनिज्म का पार्ट पे वर्क करूंगा। किसको वर्क करूंगा? मैकेनिज्म पर। मेरे को क्या पता 2A 2B यहाँ पे जो था उससे कुछ अगर होता तो देखते क्या होता। अरे मैंने एक अपने अकॉर्डिंग एक बोला कि ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपोनेंट दिया जाता है। मैंने क्या बोला? अरे मेरे को ऑब्जर्व मैं बोला बोला कि मैंने ऑब्जर्व किया ऐसा, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपोनेंट देने जा रहा हूँ आपको। ये देखो आप तो रिएक्शन देख रहे हो यहाँ पे, मैं बोलूंगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो आप लिख ही नहीं पाओगे। अब मैंने अपने ऑब्जर्वेशन बताया आपको, मैंने ऑब्जर्वेशन बताया, मैंने ए को फिक्स किया तो बी को मैंने चेंज किया तो रेट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, तो व्हाट शुड बी एक्सपोनेंट ऑफ बी? 0। फिर मैंने बोला बी को जब से कॉन्स्टेंट किया तो ए को मैंने डबल किया तो रेट भी मेरे को डबल मिला, तो व्हाट शुड बी एक्सपोनेंट ऑफ ए? 1। तो ये ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद मैंने एक्सपोनेंट दिया। आई बात समझ में? अब ए और बी का एक्सपोनेंट का सम कितना होगा? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। आई बात समझ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, ए और बी तो कंबाइन कर रहा है तो बी को कैसे आपने इंडिपेंडेंट कर दिया? एक्चुअली ये रिएक्शन जो दिख रहा है आपको ये एक स्टेप में नहीं कंप्लीट हो रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है। आप बी उस स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है जहां से काइनेटिक्स आप स्टडी नहीं कर सकते। आई बात समझ में? जहां का काइनेटिक्स आप स्टडी नहीं कर सकते उसी को बताने जाते। ठीक, तो लिखो रेट लॉ क्या होता है, पहले लिख लो उसका बताता हूँ मैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। लिख लो। आई बात समझ में? रिएक्टेंट जिसका सबको प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ले लोगे, लेकिन आगे क्या देख रहे हो? देखो एंड इट्स कंसंट्रेशन रेज्ड विथ एक्सपोनेंट और पावर। जो एक्सपोनेंट और पावर लोगे विच आर डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक्सपेरिमेंटली। आई बात समझ में? मतलब रिएक्शन देख के आप सिंपली नहीं बोल सकते हो कि व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट शुड बी रेट लॉ? नहीं, ये कहाँ से होता है? ऑब्जर्वेशन से। तो आप क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आता है कैनेटिक्स से पढ़ाएंगे, देखेंगे बहुत क्वेश्चन इसमें पूछता है क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। ऑब्जर्वेशन आपको दिया, आपको ऑर्डर लिखना है, कैनेटिक्स मेंशन करना है, तो मैंने कैसे बताया ए को कॉन्स्टेंट के, बी को चेंज के, बी को कॉन्स्टेंट के, ए को चेंज के, यही सब ऑब्जर्वेशन है। कुछ ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन देता है, कुछ हाफ लाइफ के साथ ऑब्जर्वेशन देता है। तो ये सब काइनेटिक्स जैसे पढ़ोगे बहुत समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ बताऊं कि ये सब रेट लॉ होता है हमेशा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। जैसे देखो 2NH3 लिए,
इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो किसमें जाएगा ये N2 गैस प्लस क्या होगा 3H2, इसमें जाएगा N2 गैस सफिक्स 3H2। देखो रेट क्या है, तो देखना अब बताओ NH3 इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में लेकिन रेट उस पर डिपेंड, बताओ थ्योरेटिकली ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटली। अरे ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकली नहीं होता ये, क्यों वैलिड होगा इनवैलिड होगा, क्या लीजिए प्लेयर्स बोलता है। अच्छा अरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का था ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ मास सेक्शन था वो, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था ये। यहाँ पे लीचेटलियस कहाँ लगा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कहाँ में ले रहा हूँ, कहीं कहीं पे देख रहा हूँ इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम स्टेप लिया मैंने, लीचेटलियस क्यों लगा, कहाँ लिया रो, कहाँ लिया इक्विलिब्रियम का, तो क्यों लोगे आप लीचेटलियस। देखो और CH3CHO इसको हीट करते ही ये कन्वर्ट हो जाता है ये CH4 में और CO में। देखो रेट क्या आ रहा है आपका CH3CHO, देखो एक्सपोनेंट क्या लिया मैंने 3/2, बताओ कॉफिशियंट क्या दिख रहा है आपको 1, कॉफिशियंट देखो क्या दिख रहा है 1, एक्सपोनेंट देखो क्या दिख रहा है, कहाँ सा है एक्सपेरिमेंट आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। नहीं आपसे कोई पूछेगा ही नहीं कि रिएक्शन देखे, बोलो जब तक आपको ऑब्जर्वेशन नहीं देगा आपसे पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन तभी पूछेगा जब आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देगा, फैक्ट्स देगा आपको, तभी आप बता सकते, नहीं तो क्यों पूछेगा। हम लोग से कोई रिएक्शन पूछेगा इसका एक्सपोनेंट बताओ तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, कर लेंगे। अब क्या होता है यहाँ पे लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, इन्वॉल्व इन द रेट लॉ, रेट लॉ में जितना भी एक्सपोनेंट है सबको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखेंगे अगर मान लो ये कंबाइन किया 2B से दे रहा है आपका C, लेट कर लो अब मैंने रेट लिखा यहाँ पे के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, बेटा बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा 1, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, कर लेंगे। हाँ उसके एक्सपोनेंट देखेंगे, एक एक्सपोनेंट कितना 1, तो एक के रिस्पेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, ओवरऑल कितना हो गया 2, कर लेंगे। अगर मान लो कि आपने NH3 लिया था, ये टिश्यू शीट किस में गया था आपका, देखो 3H2 इसमें रिएक्टेंट तो कौन है आपका NH3, उसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे लेकिन उसका एक्सपोनेंट एक्सपोनेंटली क्या बोल रहा है 0, ऑर्डर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, ऑर्डर जब भी लिखेंगे तो आप किसका लेंगे एक्सपोनेंट का सम ले लेंगे, कौन सा एक्सपोनेंट, कॉफिशिएंट नहीं रेट लॉ, रेट लॉ डिटरमाइन एक्सपोनेंटली, ऑर्डर भी क्या होगा एक्सपोनेंटल क्वांटिटी है थ्योरेटिकल क्वांटिटी एक्सपोनेंटल, लिख लो। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी मतलब कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अगर चेंज करेंगे तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इट मे बी होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो फ्रैक्शनल था ना आपका, 0 भी था ना आपका, होल नंबर में तो सब आ गया ना 0 1 2, नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा 1 2 3, तो मैंने बोला होल नंबर थे, 0 भी आ गया 1 भी आ गया 2 भी आ गया, कर लेंगे। इट में भी 0 फ्रैक्शनल निगेटिव कैसे होता है वो बताएंगे काइनेटिक्स में, नहीं ऑर्डर जब भी होगा तो इनफाइनाइट ऑर्डर नहीं होता, nth ऑर्डर होता है तो nth ऑर्डर तो फिक्स होता है, क्योंकि रिएक्शन जब पढ़ने जाओगे तो कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होगा कहीं, इसलिए ऑर्डर इनफाइनाइट नहीं हो सकता कभी,
जीरो होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ऐड करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन इनफाइनाइट इनफाइनाइट कभी नहीं होगा। कर लेंगे होल नंबर फ्रैक्शन समझ में आ गई है। अब देखो क्या होता है इसके बाद, क्योंकि हम लोग जब भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन जाते तो कहीं कहीं ना जाके हम लोग एजम्पशन पे वर्क करते ही, क्योंकि माइक्रो लेवल पे वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देख तो कॉलिजन होता है, गैस मॉलिकल्स में कॉलिजन होता है, तब वहाँ पे बाय मॉलिकुलर कॉलिजन पे हम लोग ज्यादा जूम करके ज्यादा डेरिवेशन लाते हैं। लेकिन ऐसा कौन बोलता है कि बाय मॉलिकुलर ही होगा, थ्री मॉलिकुल भी तो कॉलेट कर सकते हैं एक साथ, हो सकता है कि नहीं। तो कुछ एजम्पशन पे जाते हैं, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व होता है उस पर ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, तो इनफाइनाइट कभी नहीं। कर लेंगे। अब देखो ऑर्डर है समझ में। अब क्या होता है कि केमिस्ट्री में जब जाओगे तो केमिस्ट्री में क्या होता है, देखो केमिकल रिएक्शन होता है। काइनेटिक्स में देखो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। एक होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री क्या होता है, देखो इट प्रोसीड्स इन सिंगल स्टेप। अब बता दो तो एक ही स्टेप में अगर प्रोसीड होगा तो उसमें इंटरमीडिएट कुछ बनेगा? अगर आप कहीं से जर्नी स्टार्ट किए और एक ही बस पकड़ के अपने अपना डेस्टिनेशन पे चले गए, तो इसका मतलब कहीं रुके आप नहीं, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं बोलूंगा कि रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये तो ऑब्जर्वेशन ही तो है मेरा, तो यहाँ से रेट लॉक्स क्वेश्चन लिख सकते हो आप। नो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट नहीं है यहाँ पे। थर्ड क्या याद रखना कि ऑर्डर जो होगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ द कोफिशियंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट होगा ना, किसी भी रिएक्शन में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट होता है ना, उसको सम सबका समेशन ले लेना, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो बहुत ईजी है पकड़ना नहीं इसका, किसका, एलिमेंट्री का। तो कैसे पकड़ेंगे, देखो मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, टू ए दे रहा है आपका सी और डी, मान लो मैं सीधा रेट बोलूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना लेंगे, टू, मेरे को पता है एलिमेंट्री है, इसलिए जो भी कॉफिशेंट होगा उसी को एक्सपोनेंट में लेके चला जाऊंगा। तो बेटा ये कहाँ से आया, आप आपने समझा एलिमेंट्री तभी तो लिखा आपने, आई बात समझ में? तो एलिमेंट्री में क्या नहीं होता, इंटरमीडिएट नहीं बनता। आप लोग सर कुछ एलिमेंट्री का एग्जाम्पल दिखाइए, तो देखो कितना एग्जाम्पल सिंपल है। देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसको जब हम लोग एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट हो जाता है OH। थोड़ा सोचो तो कैसा हुआ होगा रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे हुआ, देखो क्या क्या, ये हाइड्रोजन था, नहीं, देखो ये हाइड्रोजन था, ये ब्रोमीन था, OH माइनस आया अटैक करने, ये क्या क्या, देखो ये बैक साइड से यहाँ पे अटैक किया, वहां से उसको रिमूव कर दिया, स्टेरिक हिंडेंस, नहीं, हाइड्रोजन से छोटा छोटा साइज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा कि नहीं, जहाँ पे पार्शली बॉन्डिंग होगा वहां पे, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, बताइए, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब इसको आइसोलेट कर सकते हो, नहीं, इंटरमीडिएट नहीं है वो। देखो फाइनल आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH, निकल कौन क्या, Br-। मतलब मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ, देखो सिंपल मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, सुनो, यहाँ पे कोई ग्रुप था, ये जा रहा था, ये बैक साइड से अटैक कर दिया, ये भागा, ये अटैक किया, तो क्या हो गया, ऐसा फेज आएगा ना जहाँ पे पार्सली बॉन्डिंग फेज में दोनों हो गए,
क्योंकि रिएक्शन में क्या हो रहा है कि बॉन्ड को तोड़ के नया बॉन्ड बनाते हो, तो कुछ ऐसा फेज दिखा होगा ना जहाँ पे बॉन्ड टूट रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। वो इंटरमीडिएट नहीं होता, वो इंटरमीडिएट नहीं होता। तो ऐसे ही अटैक किया बैक से, मतलब कोई ग्रुप था ये जो बैक से आपका इधर से अटैक किया, फ्रंट से ये निकल गया। तो एक पार्शली बॉन्डिंग फेज मैंने दिखा दिया, फिर इसको कम्प्लीटली डिटैच करके एक प्रोडक्ट मैंने बना दिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बन रहा आपको नहीं, ये क्या होगा, एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स? आप बता दो इसका, अगर मेरे को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, रेट लिंक हो के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्यों ऐसा लिखूंगा बताओ? देखो तो रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है आपका, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब मैंने बोला एलिमेंट्री है ये, तो दोनों एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब दोनों का कोफिशिएंट कितना, 1 ही 1 है, दोनों का एक्सपोनेंट मैंने 1 ही 1 दिया, मेरे को पता है कि एलिमेंट्री है, इसीलिए मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया। आई बात समझ में? ये सब एडवांटेज कब मिलेगा, जब आपका रिएक्शन कितना स्टेप होगा, 1 स्टेप में। आई बात समझ में? ये एलिमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स है, एलिमेंट्री एक लास्ट लिखो कॉम्प्लेक्स, देख देते हो कॉम्प्लेक्स क्या, देखो ये प्रोसीड्स होता है आपका 2 और मोर स्टेप में। तो बताओ क्या इन्वॉल्व होगा यहाँ पे? हाँ ये प्रोसीड्स होगा 2 और मोर स्टेप्स में, तो यहाँ पे कौन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे? आपने इंटरमीडिएट पढ़ा, कार्बो कैटायन, फ्री रेडिकल, वो सब कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? कॉम्प्लेक्स में। जितना ज्यादा स्टेप होगा वो उतना ज्यादा इंटरमीडिएट, मान लो 2 स्टेप होगा तो बीच में एक इंटरमीडिएट, अगर 3 स्टेप होगा तो 2 इंटरमीडिएट, 4 स्टेप होगा तो 3 इंटरमीडिएट। आई बात समझ में? तो वहां पे इंटरमीडिएट बनता है। अब क्या होगा कि अगर आपको मान लो कि बहुत सारे स्टेप्स में होगा, तो कुछ स्टेप क्या होगा फास्ट होगा, कुछ स्टेप क्या होगा स्लो होगा, तो होता है कि काइनेटिक्स किस पर डिपेंड करेगा। ऑल द फास्ट स्टेप, जो भी फास्ट होगा, कितना भी फास्ट होगा, ऑल द फास्ट स्टेप्स हैव टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्लो स्टेप, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करके रिएक्शन प्रोसीड्स हो रहा है। आप एक स्टेप बहुत फास्ट कर लोगे, एक स्टेप स्लो है, तो जब तक स्लो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ओवरऑल रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो देखो अब कितना भी फास्ट भागो, डिसाइड कौन करेगा? स्लो, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, मतलब यहाँ पे रेट लॉ किससे लिखेंगे, स्लो स्टेप से, क्योंकि वही काइनेटिक्स स्टडी कर पाएगा। मान लो एक रिएक्शन है, ओवरऑल बोला ये रिएक्शन कंप्लीट कब होगा, तो जब तक स्लो स्टेप ही कंप्लीट होगा तब तक नहीं होगा। मान लो फास्ट स्टेप मान लो 5 मिनट में हो गया, स्लो स्टेप बोला 2 आवर में, तो ओवरऑल रिएक्शन भी तब का 2 आवर में कंप्लीट होगा। तो काइनेटिक्स सब कहाँ पर स्टडी किए, स्लो स्टेप से, तो उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलते हैं उसको, RDS। तो ऑर्गेनिक में RDS में लिखूंगा तो समझ आना कि स्लो स्टेप। आई बात समझ में? तो लिखो द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS। तो ऑर्गेनिक में RDS लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, समझना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये, क्या है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कर ली, एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखो कर ली कॉपी, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, उसी का दे रहा हूँ कॉपी, देखो ये फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स है, इसको मैं OH माइनस से रिएक्शन करवाऊंगा। देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना, प्लस Br माइनस बना, ये रिएक्शन है। मैं बोलूंगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, बोलोगे बोलोगे सर मैं बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स है। तो बोलेंगे फिर भी रेट लॉ रिएक्शन लिखो, रेट लॉ लिखो आप इसका, तो बोलोगे सर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स है। तो बोलो फिर कैसे करोगे, तो सारा मैकेनिज्म दे दो मैं बता दूंगी। देखो पहले देखो मैकेनिज्म, देखो यहां से देखो क्या होता है। स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखो ये चला गया यहाँ पे, ये बता दिया मैंने RDS, इसका मतलब ये स्लो होगा। क्या बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन और क्या बना Br माइनस,
क्या इन्वॉल्व हो गया इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। स्टेप टू ले लूंगा, स्टेप टू में क्या होगा सुनो, ये कार्बोकेटाइन पे OH माइनस अब अटैक करेगा, वो भी बहुत फास्ट। देखो क्या बना आपका अल्कोहल। एक काम करो दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन आ रहा है कि नहीं। मैकेनिज्म का वही स्टेप होता है कि जितना भी स्टेप देगा सबको ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। अब बताओ इस तरह का रिएक्शन में जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे ज्यादा रिएक्शन होगा। तो बताओ आपके पास अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन दिखा रहे हैं और OH माइनस क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, अब Br माइनस क्या न्यूक्लियोफाइल, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरा न्यूक्लियोफाइल को क्या क्या रिप्लेस किया। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या बनाएगा 3 डिग्री में, इसलिए 3 डिग्री इस रिएक्शन के लिए क्या होगा सबसे बेस्ट सबस्ट्रेट होगा। अब वहां पे क्या था इंटरमीडिएट तो नहीं था, तो वहां पे स्टेरिक ओवरक्राउडिंग होगा, तो वहां 3 डिग्री क्या होगा पुअर होगा, 1 डिग्री पे क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये सब पढ़ाएंगे आप क्या ऑर्गेनिक में, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है ग्राउंड कहाँ से आ रही है। अभी देखो कि RDS कौन स्टेप है स्लो। अब देखो फर्स्ट स्टेप आपका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे RDS से, तो देखो मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम RDS, देखो रेट लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो तो मैंने OH माइनस नहीं लिखी। देखो तो रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड OH माइनस ही है, लेकिन देखो तो OH माइनस के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड है नहीं है, क्योंकि वो खुद कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है फास्ट में, फास्ट से मेरे को काइनेटिक्स का स्टडी करना ही नहीं है, काइनेटिक्स कहाँ से स्टडी करेंगे स्लो से। इसीलिए जो जो रिएक्टेंट आप देखते हो कुछ कुछ रिएक्टेंट जो रेट लॉ एक्सप्रेशन से एलिमिनेट हो जाएगा उसका मतलब वो कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है फास्ट में, है बात समझ में। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि जितना भी रिएक्टेंट आपका इन्वॉल्व होगा ऑल रिएक्टेंट पे रेट आपका डिपेंड होगा, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, मतलब कि किस पे भी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इसका मतलब कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि कोई रिएक्शन देखे अगर बोलूंगा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं दूंगा, जब तक आपको एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा तब तक आप नहीं बता सकते। बताइए इसमें, इसमें नहीं होगा ये पता चला। एक्चुअली क्या पता चला कि ये जो कंपाउंड था इस पे एक कायरल कार्बन जनरेट कर ली, क्या ले रही एक कायरल कार्बन, उसका कॉन्फ़िगरेशन को देखा कि आर कॉन्फ़िगरेशन लिए अटैक करने के बाद प्रोडक्ट में आ गया एस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस आर कॉन्फ़िगरेशन लिए थे इसमें क्या आ गया एस, अगर यहाँ पे एस लेके चला था तो इसमें आ गया आर, मतलब जो ले रहे हैं उसका इनवर्स का कोई प्रोडक्ट आ रहा है। आई बात समझ में। फिर क्या देखा वो, फिर क्या देखा कि इस पे स्टेरिक ओवरक्राउडिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब कि इसको अगर बल्की कर देंगे तो रेट क्या हो गया स्लो हो गया, इसका मतलब कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब इस पे क्या साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, इस पे साइंटिस्ट क्या ऑब्जर्व किया कि इस पे देखा कि अगर कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होगा, आप बोलोगे कैसे कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होगा तो उसका रीजन क्या सुनो, उन्होंने क्या क्या कि कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होगा तो उसने क्या क्या, मान लो कि कोई कायरल कायरल सेंटर लेके आर कॉन्फ़िगरेशन लेके किया, प्रोडक्ट में आर भी देखा एस भी देखा, अब सुनो लेके चले हो आर, आप प्रोडक्ट में आर भी फॉर्म का प्रोडक्ट है एस भी फॉर्म का प्रोडक्ट है, ये कैसे हो गया। तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेनर इंटरमीडिएट बना होगा, तो प्लेनर इंटरमीडिएट कौन बन सकता है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो आपका SP3 है वो तो नॉन प्लेनर है, आप जब तक प्लेनर नहीं बनाओगे तब अबव द प्लेन ऑफ बिलो द प्लेन अटैक ही नहीं कर सकते हो, अबव द प्लेन ऑफ पेपर बिलो द प्लेन ऑफ पेपर अटैक करेंगे तभी आपका वहां पे क्या होगा आर और एस दोनों का चांस है, मतलब फ्रंट से भी अटैक करोगे बैक से भी अटैक करोगे कब, जब आपका कोई प्लेनर कोई इंटरमीडिएट बनेगा, अब वो प्लेनर इंटरमीडिएट कब कौन बनेगा कार्बोकेट, वो बताएंगे वो सब बताएंगे आपको। अभी सिर्फ याद रखो कि कॉन्फ़िगरेशन से ये सारा ऑब्जर्वेशन आता है, उसी के थ्रू हम लोग कंक्लूजन लेते हैं कि कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होगा। अब कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होने के बाद क्या होता है कि उसका रिएक्टिविटी देखा जाता है, तो देखा गया कि जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वहां पे ज्यादा रिएक्टिविटी देखा गया, जहाँ पे कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है वहां पे रिएक्टिविटी बहुत स्लो देखा गया, मतलब उस सब्सट्रेट को इस मैकेनिज्म के बैड माना गया किसी को एक्सेलेंट माना गया, तो वहां से ऑब्जर्वेशन ले ली कि कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होगा। आई बात समझ में। अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, तो मैकेनिज्म देख के तो बता दोगे ना कि आरडीएस कौन होगा,
स्लो अगर मैं लिख दूंगा तो समझ में आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन किससे लिखेंगे। आई बात समझ में, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने लिखा यहाँ पे, आप बताओ इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर कितना बोलेंगे आप? बोल बोलेंगे इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर कितना बोलेंगे आप? तो कुछ आइडिया लगा? आप एक होता मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये होता है मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, देखो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली एक ही साथ कोलिजन में आएगा। कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस या इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इस एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका कोलाइड करे। मान लो एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये, लेट कर लो कि ये आपका क्या था, ए था ये बी था, और दोनों में कॉलिजन होगा, उसके बाद बनाया ए बी, ये कितना मॉलिक्यूल यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है। आई बात समझ में, ये क्या होगा बाय मॉलिकुलर यूनि मॉलिकुलर, बाय मॉलिकुलर दैट इज मॉलिकुलरिटी कितना होगा यहाँ पे, अगर मान लो थ्री मॉलिकुल साइमल्टेनियसली कोलाइड करेगा तो आप कितना बोलोगे, मॉलिकुलरिटी कितना बोलेंगे थ्री? आप खुद से सोचो तो मॉलिकुलरिटी हमेशा तो होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, जीरो तक कभी मॉलिकुलरिटी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल तक कभी नहीं हो सकता है। और खुद से सोचो तो फोर मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन क्या होगा, लेस। फाइव का एक साथ कॉलिजन क्या होगा, लेस। देखो दो का कॉलिजन सबसे ज्यादा होगा, थ्री का चांस क्या होगा और भी कम होगा, फोर का और भी कम होगा, हायर मॉलिक्यूलरिटी का चांस क्या होगा रेयर, हायर मॉलिक्यूलरिटी का चांस क्या होगा रेयर। अगर किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 10 बोलेंगे तो बहुत रेयर होगा वो, मतलब 1 2 1 2 यही ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, 1 2 3 1 2 3। आई बात समझ में, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है क्योंकि हायर मॉलिक्यूलरिटी का चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि सीधा टच होना चाहिए, कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए तभी तो बॉन्ड का फ्रैक्चर होगा। आपको क्या लगता है कि आप रिएक्शन जब करवा रहे हो तो कोलिजन हो रहा है, आपको क्या लगता है सारा कोलिजन लेड टू द फ्रैक्चर ऑफ द बोन? नो, 99.99% आपका कोलिजन इनइफेक्टिव होता है, रिएक्शन ही नहीं करवाता, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन कोलिजन होता है जो इफेक्टिव होता है, दैट लीड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो उसी इफेक्टिव कोलिजन के लिए कितना मॉलिक्यूल एट ए टाइम कोलाइड करेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी। आई बात समझ में, हायर मॉलिक्यूलरिटी आर रेयर, कर लेंगे अब मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज नेचुरल नंबर, थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है, एक्सपोनेंटल नहीं होता, ये डिफाइन होता है सिर्फ एलिमेंट्री के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मेड अप द नंबर ऑफ एलिमेंट्री, और एक एक एलिमेंट्री में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, तो ये डिफाइन होता है सिर्फ एलिमेंट्री के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए। आई बात समझ में, तो लिख लो ऑलवेज क्या हो, थ्योरेटिकली एक्सपोनेंटल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल ऑर्डर क्या था एक्सपेरिमेंटल, आइए क्या होगा होल नंबर या क्या हो जाएगा बताइए, नेचुरल नंबर होगा ऑलवेज, फ्रैक्शनल नहीं होता, मतलब 1 2 क्या बोलोगे, 1 2 3 4 ऐसे करके बोलेंगे, 1 भी हो सकता है, 1 होता है कि एक ही मॉलिक्यूल है उसमें कोलिजन अपने आप वहां पे क्या हो गया, कंडीशन है लाइट या कुछ दिए तो अपने आप वो टूट रहा है, लाइट के प्रेजेंस मान लो कोई रिएक्शन करवा रही है मॉलिक्यूल है, लाइट है अपने आप बॉन्ड का फ्रैक्चर हो रहा है वहां पे, तो उसको बोलते हैं एक ही हाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन सब जनरली होता है, वो सब होता है यूनि मॉलिक्यूलर, मतलब वो किसी के साथ कॉलिजन नहीं करा अपने आप टूटा,
आई बात समझे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमोलिक्यूलर। तो 1 2 3 हो सकता है, 4 5 सबका चांस क्या होता है, बहुत रेयर होता है। आई बात समझे, 1 2 सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। 1 2 डिफाइन, किसके लिए डिफाइन होता है? ऑर्डर दोनों के लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्री के लिए भी होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए। मॉलिक्यूलरिटी देखो, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ऑल द एलिमेंट्री स्टेप है दिस ऑन मॉलिक्यूलरिटी, सबका अपना अपना मॉलिक्यूलरिटी होता है। जैसे देखो मैं एक बता रहा हूँ, जैसे एक एक सिंपल दिखा रहा हूँ, देखो ये कितना स्टेप में, देखो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा 1, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा 2। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोल सकते आप, स्टेप मैंने क्या बोला, इट इज डिफाइंड फॉर द एलिमेंट्री, मतलब एक स्टेप एलिमेंट्री है, दूसरा स्टेप भी एलिमेंट्री है, ये एलिमेंट्री को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना दिए, तो एक एक एलिमेंट्री का अपना अपना मॉलिक्यूलरिटी है। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूंगा इस रिएक्शन का एलिमेंट्री का आरडीएस का मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा 1, क्या बोलूंगा मैं 1, ये आरडीएस है ना, इसका मॉलिक्यूलरिटी मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा 1, अगर इसका मॉलिक्यूलरिटी बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 2, क्योंकि 2 है ना, दोनों के कॉलिजन से प्रोडक्ट बनने जा रहा है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगी 2। इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कितना बोलेंगे 2, ऐसे मॉलिक्यूलरिटी कितना बोलेंगे आप बताइए, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे इसका 1, ये 1 कहाँ से है, फ्रॉम आरडीएस। द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से बोलोगे आप, आरडीएस से, एलिमेंट्री का मॉलिक्यूलरिटी एज इट इज। नहीं बात समझ में, तो मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से डिपेंड होता, समझ में आ गया आपको? आप क्या होगा कि आप जब ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे, आपको आपको रिएक्शन होगा, देखो क्या होगा, देखो SN1 SN2, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब 1 2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलरिटी, तो 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, 2 का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर। आई बात समझ में? आपको बोलेंगे E1 E2, E का मतलब होता है एलिमिनेशन, अब 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। अब समझ में आ गया कहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, तो ये सब अगर इंट्रोड्यूस नहीं करते ना, तब ब्लैंक हो जाते, मैकेनिक्स कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए जानबूझ के मैं थोड़ा बताया, काइनेटिक्स बताएंगे तो और भी बताएंगे, अभी यहीं तक रहने दो, ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के बाद आगे बढ़ा, बताइए बोलो। सर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सर हम लोग सर यू आर नॉट ऑडिबल। देखिए आप एल्काइन से करेंगे तो कैसे होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, सेवन करने में मदद करने के लिए कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। हाँ सर, कहाँ से आ रहा है यार वॉइस? अच्छा ठीक है, सुनो सुनो बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप एल्काइन से कैसे बनाएंगे, तो आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पार्शियल, तो पार्सल कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, तो देखो क्या करेंगे, पार्सल रिडक्शन या बाय पार्सल हाइड्रोजनेशन, बाय पार्सल हाइड्रोजनेशन, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन इफ यू आर गोइंग टू फॉर द एल्काइन, एल्काइन विल नॉट हैव द ट्रिपल बॉन्ड, इफ यू आर गोइंग टू द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन देन डेफिनेटली यू विल गेट द एल्केन, बट यू हैव टू स्टॉप अप टू द एल्कीन फ्रॉम द एल्काइन, मतलब वहां पे जो पाई बॉन्ड्स, उसमें 2 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को रखना पड़ेगा आपको, तभी आप एल्कीन में कन्वर्ट करोगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो सुनो मैंने बताया था आपको एल्केन में कि ये आपके पास एल्काइन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अगर होगा कहीं पे, या लिथियम इन द लिक्विड अमोनिया होगा, तो ये हमेशा देता है ट्रांस,
याद रखना ये सब, इसका मैकेनिज्म भी होता है लेकिन अभी नहीं पता चलेगा, इसीलिए मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं बर्थ रिडक्शन। ये सब ऐसा रिएक्शन है कि अगर आपको कंडीशन पता होगा तब प्रोडक्ट बना लोगे, मैकेनिज्म समझो या नहीं समझो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस होगा वहां बता दूंगा, सारा रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्शन को एज ए इन्फॉर्मेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, आई बात समझ में, तो सारा रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना जरूरी नहीं है। अगर कहीं दिया रहोगे तो इधर से सुनो, इधर से निकाल लो, बेसिक पार्ट जहाँ पे मैकेनिज्म होगा वहां पे बताऊंगा। फिर क्या होगा सुनो, अगर आपने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया प्लाटियम से, सपोर्टेड अवर बेरियम सल्फेट, अ पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन, क्यूनोलिन लिए थे, इसको आपने बोला था लिंडलर्स कैटलिस्ट। फायबर रिएक्शन ट्रांस नहीं होती। किसमें? अच्छा ट्रांस हो जाएगा ना, सिस कर दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी कर दिया, सही कर देते, थैंक यू। चलो अच्छा बता देते, ये बता देते, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, सही बोले, ट्रांस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ट्रांस ऑलवेज। और ये आईआईटी का एक क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, एक आईआईटी का क्वेश्चन आगे नहीं, वो आज एक और क्लास पढ़ाने दो। जब एल्काइन पे जाएंगे तो एल्काइन का प्रॉपर्टी जब जाएंगे उसके बाद एक आईआईटी का बहुत धांसू एक धमाकेदार क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, जो पूछा था, क्या पूछा था बताऊंगा अभी। ये ट्रांस ऑलवेज होगा, मतलब कि आपके पास अगर मान लो एल्काइन है, योर इंटेंशन टू फॉर्म द एल्कीन, और दैट एल्कीन कैन शो द ज्योमेट्रिकल, देन योर प्रोडक्ट शुड बी द ट्रांस। लिनलार्स सब लेंगे तो लिनलार्स में आप हमेशा देंगे सिस में, किस में जाएंगे बेटा, सिस में, ये होता है सिस ऑलवेज। नीट में तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि इसको इसमें फॉर्म करेंगे तो कौन सा रिएजेंट होगा ये बताओ, या रिएजेंट देगा तो प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ, राइट। जेई मेन का भी बहुत सिंपल फॉर्मेट आता है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ये सिस, सिस, ये आर हो जाएगा, ये क्या होगा, एच हो जाएगा, कर लेंगे। तो देखो ये स्मॉलर ग्रुप सब कहाँ लिए, फार अपार्ट है ये, देखो ये बल्कि ग्रुप सब, देखो आप फार अपार्ट है, ये क्या है, सेम साइड है आपका, सिस ट्रांस, आई बात समझ में। द लिनलार्स आप याद रखोगे, ये सब रिएक्शन याद रखो, कंडीशन याद रखो, काम चल जाएगा, कर लेंगे। अगर आपके पास मान लो कि जैसे टू ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है ये, अगर हाइड्रोजनेशन किए प्लेडियम सपोर्टेड अपॉन चारकोल आप क्यूनोलिन ले लिए, तो इसका मतलब कौन सा कैटलिस्ट लिया अपने, लिनलार्स, तो क्या हो जाएगा, ये सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस, अगर इसी पे बस रिडक्शन देते तो क्या होता, ट्रांस, आई बात समझ में, ये तो कर लोगे आप। अब आएगा फ्रॉम अल्काइल, आप फिन एनवे से बताओ, ये क्लास जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं संडे की क्लास होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको उतना समझ में मैकेनिज्म नहीं आएगा, बता आपको तो और भी मिला आपको रहा हूँ, नींद आते रखते नहीं, टक 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 नहीं करते रहते। अरे सीरियस, जो सीरियस बच्चा रहता है ना वो रात को भी पढ़ता है, सीरियसली पढ़ता है। स्क्रीन टाइमिंग के चलते ये मैकेनिज्म का जो रूट होता है ना, इसको मैं ऑफलाइन रखूँ वो ज्यादा बेटर होगा। देखो जब मैकेनिज्म पढ़ा देंगे ना, जब रिएक्शन पे आएंगे बोलेंगे ये मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा तो वो ऑनलाइन भी चलेगा, लेकिन ये जो मैकेनिज्म का फॉर्मेट होता है ना, ये मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन रखूँ, क्योंकि कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट ये सब बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते हो तो बढ़िया से पढ़ो, सीधा प्रोडक्ट समझने से कुछ नहीं होता, फायदा नहीं बना पाओगे। ठीक, तो देखता हूँ मैं, डिसाइड कर ले अब जो करो आप। देखो ये अल्काइल लेट लिए, ये सुनो क्या होता है, बाय डिहाइड्रो हेलोजनेशन। देखो डी का मतलब होता है हटना, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब सीओ टू चला जाएगा, तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि एच एक्स रिमूव होगा, हाइड्रोजन भी जा रहा है हेलोजन भी जा रहा है, तो डिहाइड्रोजनेशन, तो होता है क्या सुनो,
ये लेट कर लो यहाँ पे कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये लिविंग, जिसको हटना है यहाँ पे। अब सुनो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, बताया था आपको याद करो। फंक्शनल ग्रुप जिस अल्काइल कार्बन के जिस कार्बन से होल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं अल्फा, और उसके एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं बीटा। याद रखोगे, फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल के जिस कार्बन से होल्ड रहेगा फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं अल्फा, नेक्स्ट कार्बन क्या होता है बीटा। आपको क्या करना है, एल्कीन बनाना है। देखो एल्कीन कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे किसी बेस के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिए तो बनेगा क्या, देखो वो बेस सब आएगा, सब बताएंगे कौन सा बेस होगा। ये आ जाएगा आपका एच बी और ये होगा बी आर माइनस। आप थोड़ा देखो तो आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ा ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, एक पाई बॉन्ड बनाया। आप थोड़ा सोचो कि दो सिग्मा तोड़ के एक पाई बनाओगे तो दो सिग्मा को तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एक पाई बॉन्ड बनने से ज्यादा एनर्जी तो रिलीज होने वाला है नहीं। आप हमेशा देखेंगे इसका इंथैल्पी चेंज निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। इंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, सुनो, दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और एक बॉन्ड फॉर्म होगा तो लेस एनर्जी। मान लो कि दो बॉन्ड को तोड़ा आपने, लेट कर लो कि 100 जूल चला गया, मिला आपको 40, 60 का लॉस हो गया ना, प्रोसेस क्या होगा इंट्रो। आई बात समझ में, सुनो एक चीज बता रहा हूँ, इंट्रॉपी भी डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, तो इंट्रॉपी भी इंक्रीज हो रहा है, चेक कर लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। अब आपको पता है कि डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एच, फॉर डेल जी निगेटिव तभी स्पॉन्टेनियस होगा। डेल जी निगेटिव, डेल एस जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन टी डेल एस। देखो ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म ज्यादा पॉजिटिव होगा तभी इसको क्या करेगा निगेटिव, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। इसीलिए आपने देखा होगा स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आपने अल्किन बनाया होगा अल्काइल लेड से तो आपने हीट का साइन किया होगा। ऑर्गेनिक में अगर पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटी में स्कूल के एग्जाम पे चलते तो आपने देखा होगा हीट का साइन देता होगा, तो बेटा कहीं भी हीट का साइन होता है उसका मतलब होता है एलिमिनेशन। क्या मतलब होता है उसका, एलिमिनेशन। याद रखोगे ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन। क्यों प्रोसेस को एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि दो बॉन्ड को तोड़ के एक पाई बॉन्ड बनाया ना आपने, आपने किसी को ऐड तो नहीं किया, आपने किसी को क्या किया, रिमूव किया, तो इसको बोलते हैं आप हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करो, बीटा पोजिशन से अल्फा से, तो इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। नहीं नहीं, बीटा कार्बन, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन। आई बात समझ में, अगर मान लो जिस कार्बन पे आपका लिविंग ग्रुप था उसी कार्बन से अगर हाइड्रोजन भी रिमूव कर देंगे या कोई दूसरा ग्रुप रिमूव करेंगे तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अल्फा। आप तो एल्कीन बनाओगे तो एल्कीन तो अल्फा एलिमिनेशन से नहीं होगा। अगर मान लो कि आपका ये कार्बन है, एक ग्रुप को आपने यहाँ से रिमूव किया, एक ग्रुप को आप यहाँ से रिमूव करोगे तो उसमें साइक्लाइजेशन का चांस होता है, उसमें एल्कीन नहीं बनता। मान लो कि अल्फा बीटा गामा, लिविंग ग्रुप था अल्फा पे, एक ग्रुप आपको गामा पे मिल रहा है, तो गामा से भी लिव होगा या अल्फा से भी, तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि वो उधर से गया ये इधर से गया तो दोनों ज्वाइन कर गया, तो कंपाउंड क्या बनेगा, साइक्लिक। तो गामा एलिमिनेशन होता है, डेल्टा एलिमिनेशन होता है, दैट लीड टू द साइक्लाइजेशन, बट बीटा एलिमिनेशन लीड टू एल्कीन। अभी तो एल्कीन पढ़ रहे थे, आप लोग किससे पढ़ेंगे, बीटा एलिमिनेशन से। जो भी लिविंग ग्रुप होगा उसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई और दूसरा ग्रुप होना चाहिए तभी आप एल्कीन बना पाओगे। डिहाइड्रोजनेशन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, तो ये रिएक्शन है। अब क्या पढ़ा आपने, बीटा एलिमिनेशन। अब सुनो क्या होता है, यहाँ पे दो सिग्मा तोड़ रहे हो एक पाई बना रहे हो। आप थोड़ा इमेजिन करो कि अगर इसका डिटेल में स्टडी करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सुनो पॉसिबिलिटी क्या क्या है।
हो सकता है कि ये दोनों बॉन्ड एक ही साथ टूटा हो सकता है ना ऐसा कि दोनों सिग्मा को मैं एक ही साथ तोड़ दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसको तोड़ा होगा फिर बाद में इसको मैंने तोड़ा होगा, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है, पहले इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे, ठीक है कितना पॉसिबिलिटी है एलिमिनेशन का, 3 पॉसिबिलिटी हो, कितना पॉसिबिलिटी होता है 3। आई बात समझ में, दो इवेंट्स है, दो बॉन्ड को टूटना है, एक बॉन्ड को बनना है, दोनों बॉन्ड अगर साइमल्टेनियसली टूटेगा या दोनों बॉन्ड क्या करेगा स्टेप बाय स्टेप, आप हमेशा याद रखना अगर पहले लिविंग रूम को डिटैच करेंगे उसके बाद हाइड्रोजन तो वो भी एक स्टेप हो सकता है, एक ऐसा भी स्टेप होता है दोनों को एक ही साथ हटा देंगे, एक ऐसा भी स्टेप होगा पहले हाइड्रोजन ट्रैप करेंगे उसके बाद किसको ट्रैप करेंगे ब्रोमीन को, तो कितना पॉसिबिलिटी हो गया 3। आई बात समझ में, लिखो मैकेनिज्म अब आएगा सर, अच्छा नहीं, वो कंडीशन क्या होता बताएंगे, सब कंडीशन बताएंगे मैकेनिज्म, पहले देखो ना क्या होगा, फर्स्ट लेंगे व्हेन बोथ सी एल, एल का मतलब क्या था, लिविंग ग्रुप एंड सी एस बॉन्ड्स आर क्लीव्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, अरे ये लिविंग ग्रुप है इसमें क्या हो सकता है, मान लो कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, तो जब एक साथ दोनों टूटेगा तो कैसा होगा मैकेनिज्म देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिए थे, ब्रोमीन लिए थे आपने, यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन था, देखो कैसे टूटेगा, बेस का काम होता प्रोटोन ट्रैप करना, यहाँ से ब्रोमाइड चला जाएगा, देखो एक साथ टूट रहा है कि नहीं, बेस का काम था प्रोटॉन टैप करना, तो प्रोटॉन लेगा ये नेगेटिव देगा वहां से पॉजिटिव आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, अब ब्रोमीन तो जाएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भागेगा, लिविंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भागेगा, वो बोलेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन तो मैं जा रहा हूँ, आई बात समझ में, तो वो क्या करेगा देखो जैसे ही एक एक पर इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इस पर निगेटिव, तो बॉन्ड बन जाएगा, ये एच बी बना देगा वो बी आर माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट एच बी था बी आर माइनस था ही, अब एक कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कि नहीं यहाँ पे, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनाएंगे देखो, ट्रांजिशन स्टेट को देखने क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं ट्रांजिशन स्टेट में, ये भी पार्सली बॉन्डेड होगा कि नहीं बी आर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा पार्सली बॉन्डेड, उसी से पार्सली बॉन्डेड क्या होगा बी माइनस, ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट, देखो प्रोडक्ट क्या फाइनल बन गया आपका एच बी प्लस, क्या हो जाएगा बी आर माइनस, ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है आपका एल्किन लाइक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है एल्किन लाइक प्रॉपर्टी, और एल्किन जितना सब्स्टिट्यूटेड होता है उतना ज्यादा स्टेबल, आई बात समझ में, जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल, हाइपर कंजुगेशन बस उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी लेंगे, और ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा डिमांड उतना कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा, आई बात समझ में, ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा डिमांड उतना कम होगा, ट्रांजिशन स्टेट जितना लेस स्टेबल डिमांड उतना ज्यादा, सब लिखूंगा वो आगे लिखूंगा, ये समझ में आपको, ये 1 स्टेप में हो रहा है कि 2 स्टेप में हो रहा है, 1 स्टेप में हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेप में कंसीडर नहीं किया जाता, वो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बार बार बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट नॉट इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट नॉट इंटरमीडिएट, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, उसको आइसोलेट कर ही नहीं सकते हो, हाईली इनर्जेटिक होता है, ये क्या होता है हाईली इनर्जेटिक, तो कहाँ से आइसोलेट ही नहीं कर पाओगे, पार्शियल बॉन्डिंग दिखाता हो तो इंटरमीडिएट है ही नहीं आपका, मैंने क्या बोला सुनो, अगर आप 3 स्टेप्स में होगा ना, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3 स्टेप्स में करोगे तो एक एक स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट बनते जाएगा, जितना भी रिएक्शन होता है सबका एलिमेंट्री स्टेप, जितना भी रिएक्शन होगा सब में एलिमेंट्री होगा, और जो भी एलिमेंट्री से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट ही बनाते हैं, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में तो जाना ही सबको, पार्शियल बॉन्डिंग फेज में तो जाएगा ही वो, पार्शियल बॉन्डिंग फेज में तो जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट तो फिक्स आना ही आना है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना के मैंने प्रोडक्ट बना दिया,
आप सबसे पहले देखो रेट किस पे डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट पे करेगा और कंसंट्रेशन किस पे करेगा, बी माइनस पे, क्योंकि क्यों एलिमेंट्री है ना, तो दोनों पे तो रेट डिपेंड करेगा। लो दोनों दोनों पे रेट करेगा कि नहीं। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्यूलर टी क्या होगा, तो क्योंकि एलिमेंट्री है, ऑर्डर मॉलिक्यूलर टी सेम होता है। तो देखो दिस पाथ पे इज नॉन एज, याद रखना। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर दैट इज ई टू, समझ में गया ई टू क्या है। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर दैट हैपन इन वन स्टेप, इंटरमीडिएट नो, कर लेंगे। क्योंकि देखो साइमल्टेनियस कॉलिजन के बाद ही तो आपका ट्रांजिशन स्टेट प्रॉपर प्रोडक्ट बनाया होगा, तो मॉलिक्यूलर के थ्रू तो बोलेंगे आप, कर लेंगे। ये समझ में आपका, इंटरमीडिएट बनेगा इसमें नो। नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म टू, देखो फर्स्ट लेंगे क्लीवेज ऑफ सीएल बॉन्ड, मतलब किसको रिमूव करेंगे, क्लीव मतलब पहले किसको रिमूव करेंगे उसका किसको रहे, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ सीएल बॉन्ड देन सीएस बॉन्ड इज क्लीव, मतलब पहले किसको रिमूव करेंगे, लिविंग ग्रुप को देन हाइड्रोजन को। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, ये ब्रोमीन था यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये रिमूव कर दिया। देखो स्टेप वन, दो स्टेप में जा रहा नहीं है, देखो क्या बना आपका। बन गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी आर माइनस। स्टेप टू देखिए, हाइड्रोजन था, अब बी माइनस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रैप करेगा, तो देखो क्या बन रहा है, वहां पे बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, ये होगा स्लो, ये होगा फास्ट। अब एक काम करो, दोनों को जो ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आपका, ओवरऑल क्या रहा है, देखो बी आर एच बी माइनस डबल बॉन्ड बी आर माइनस एच बी, हर आई के नहीं है, बताओ तो कौन सा स्टेप आपका स्लो है। काइनेटिक्स इस पर डिपेंड करेगा, मतलब बेस के कंसंट्रेशन पे रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व क्या किया, एक बार एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को चेंज किया तो देखा रेट पे इम्पैक्ट आया, राइट। साइंटिस्ट ने क्या किया, एल्काइल ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो देखा रेट भी डबल हो रहा है, फिर एल्काइल लाइट के कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया तो देखा रेट भी हाफ हो गया। इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, वन। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एल्काइल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया, बेस के कंसंट्रेशन को चेंज किया, बोला कि बेस आप कितना भी कंसंट्रेशन चेंज करो रेट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट, इट मीन बेस मस्ट बी इन्वॉल्व इन द फास्ट, इसलिए आ गया फास्ट मूव। ये ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद आप प्रपोज करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा, कहीं पे आइसोट्रोपिक लेबलिंग के थ्रू, कहीं पे आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग ऑब्जर्व करते थे, ये सब उसके बाद ऑब्जर्वेशन आता है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म दिए, अब बताओ रेट किससे लिखोगे बेटा, आप तो पता है, तो
किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे करेगा, बेस पे तो इंडिपेंडेंट हो गए। आप खुद से देखो, अगर मैंने क्या क्या यहाँ पे देखो, आप आपको बता रहा हूँ, देखो ये किसका कंसंट्रेशन लिया मैंने, बेस का। इधर मैंने क्या लिया, रेट। देखो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, इससे क्या बदल सकता है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो वन, बट मॉलिक्युलरिटी यू कैन डिफाइन फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट जब ऑर्गेनिक को मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स का नहीं करोगे, तो आप स्टेप एलिमेंट्री स्टेप लेंगे आरडीएस, उसके मॉलिक्युलरिटी के अकॉर्डिंग नेम ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। तो मॉलिक्युलरिटी देखो, मैं बता रहा हूँ, मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे बोलेंगे वन विद रिस्पेक्ट टू आरडीएस। देखो एक ही तो मॉलिक्यूल है, वो तो खुद डिसोसिएट हो रहा है कार्बोकेटायन। तो मॉलिक्युलरिटी कितना बोलेंगे आप, वन। तो दिस पाथवे इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर जो बोलोगे, दैट इज क्या हो जाएगा आपका E1। तो देखो एक आ गया E1, एक आ गया आपका E2। तो बताओ कार्बोकेटन कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? अगर मैं बोलूंगा कि E1 पाथ फॉलो करना आपको, तो समझ लो कार्बोकेटन इन्वॉल्व होगा। अगर मैं बोलूंगा नहीं E2 पाथ फॉलो करना आपको, तो समझ लो कार्बोकेटन इन्वॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में? यही आप पढ़ने जा रहे हो, तो लिख लो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है। कार्बोकेटन क्या पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा, मेजर माइनर का चांस आएगा यहाँ पे। ये सब कैसे होगा, ये सब बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सुनो। अभी तक मैंने कितना मैकेनिज्म को सपोर्ट किया, एक थर्ड होगा जिसमें हाइड्रोजन पहले जाएगा, उसका ब्रोमीन, वो अभी नहीं बताने जा रहा, वो बताऊंगा कभी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी दो पे पहले वर्क करने दें, अभी किस पे वर्क करेंगे, दो पे। एक आ गया E1, एक आ गया E2। E1 कितना स्टेप में होता, E2 कितना में होता, एक में। E2 कितना में होता है, एक में। E1 कितना होता है, टू में। समझ में आ गई है? अब क्या करना, सुनो देखो, नोट करके एक दो पॉइंट लिख लो, उसके बाद बता दूंगा। देखो क्या लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड्स विथ बीटा हाइड्रोजन फॉलो E2 मैकेनिज्म। ड्यूरिंग डी हाइड्रो हेलो जनरेशन, याद रखोगे ये? अगर आप अल्काइल हैलाइड से योर इंटेंशन टू फॉर्म द एल्कीन, देन यू हैव टू फॉलो द E2 मैकेनिज्म। याद रखोगे, प्रोवाइडेड दे मस्ट है बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन ही होगा तो फिर E1 पे जाना पड़ेगा। बताइए, तो वो बीटा हाइड्रोजन था वहां पे, E1 देता, तो वहां पे मैंने एक मैकेनिज्म बताया कि ये पॉसिबल है जनरलाइज करके, लेकिन आगे बताएंगे आपको सब कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली कौन सा फॉलो करना। आई बात समझ में? मतलब कि मैंने यहाँ पे जो मैकेनिज्म बताया, वो एक मैंने जनरलाइज करके बताया कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो एक जनरलाइज कर देंगे तो इसको लिविंग ग्रुप कर देंगे, तो लिविंग ग्रुप क्या है, तो वो तो हिडन हो गया। तो जब आपका बीटा हाइड्रोजन होगा, तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि अल्काइल लाइट में अगर बीटा हाइड्रोजन मिलेगा तो आप हमेशा क्या करना है, E2 करना। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो E1 करना। आई बात समझ में? तो वो मैं जनरलाइज करके अभी लिख रहा हूँ, वो आप पर्टिकुलरली आप लिखो कि डिहाइड्रोजनेशन में आपको क्या फॉलो करना है, E2, प्रोवाइडेड अल्काइल लाइट मस्ट है बीटा हाइड्रोजन।
सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो बी माइनस फॉर डी हाइड्रो हेलोजनेशन क्या होगा, देखो क्या क्या हो सकता है बी माइनस, देखो याद क्या रखिएगा, देखो अल्कोहलिक क्यूएच अगर कहीं भी दिया रहेगा, हीट का साइन दिया रहेगा, तो समझना क्या करवा रहा है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन, याद रखोगे क्या करवा रहा है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन अल्कोहलिक क्यूएच। फिर अगर मान लो कि कहीं भी आपको देगा कि सोडियम इथॉक्साइड है, ये सोडियम क्या लेंगे, इथॉक्साइड, इन इथाइल अल्कोहल अगर होगा तो क्या बोलेंगे आप, डी हेलोजनेशन। अगर कहीं भी आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मिलेगा, समझना क्या करवाएंगे, अगर कहीं भी आपको सोडामाइड यानी NH2 मिलेगा तो क्या करवाएंगे, मतलब ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर का, रीजन देख के पकड़ेंगे कौन सा कंडीशन होगा। आई बात समझ में, अल्काइल लाइट से जब एल्कीन लेंगे, दीज आर कॉमन रिएजेंट वी हैव टू यूज टू फॉर्म एल्कीन, समझ में आई, आप समझ में आए बेस कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो CH3CH2Br आई है, बेटा खुद से बता दो अगर अल्कोहलिक क्यूएच दे के हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस Br नहीं आ जाएगा। सही बात समझ में, क्या रहा है यहाँ पे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। क्या आपने देखा यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजनेशन कर लेंगे, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे लिए होंगे बताओ तो, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन है, क्या फॉलो करेंगे, E2, ये आइडिया लगा। फिर क्या एक थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ लास्ट पॉइंट, और नेक्स्ट डे बताऊंगा, लिविंग एबिलिटी जो होगा, लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा पहले लिविंग एबिलिटी किसमें होगा, आयोडाइड में ज्यादा होगा, कार्बन आयोडाइड का बॉन्ड वीक होगा ना, सबसे पहले कौन भागेगा, आयोडाइड, उसका कौन होगा ब्रोमाइड, उसका कौन होगा क्लोराइड, उसका कौन होगा फ्लोराइड, सबसे पुअर कौन होता है, भागना नहीं चाहता, उसको मार के भागाना पड़ता है, और जैसे मार के भगाओगे तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल प्रोडक्ट बना के भाग जाएगा, मतलब सेटजेफ यहाँ पे फेल हो जाता है, क्लोरीन के गैस पर सेटजेफ बन, सेटजेफ नहीं बनता वहां पे, मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनता, वही से बताऊंगा अभी आ जाएगा, तो रिएक्टिविटी अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, डिहाइड्रो अल्काइल आयोडाइड, उसका अल्काइल ब्रोमाइड, उसका अल्काइल क्लोराइड, उसका अल्काइल फ्लोराइड, अगर आपको अल्काइल हैलाइड दे देगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसको लेंगे आप, आयोडाइड को। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला, अल्काइल लाइट के पास अगर बीटा हाइड्रोजन होगा तो क्या करेंगे आप, डीहाइड्रोलोजनेशन, कौन सा मैकेनिज्म लेंगे, E2 प्रोवाइडेड बीटा हाइड्रोजन, कॉमन बेस कौन सा होगा बता दिया मैंने, ये सब क्या होगा, कॉमन बेस होगा जिसमें क्या करवाते हैं हम लोग, E2 डीहाइड्रोलोजनेशन। अब क्या होगा कि अगर आपके पास देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोमीन है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया अल्कोहलिक क्यूएच लेके रिएक्शन करवाया, ये तो पता है मेरे को यहाँ पे E2 होगा, E2 अल्कोहलिक क्यूएच क्या करवाता है, डिहाइड्रोलोजनेशन, और डिहाइड्रोलोजनेशन टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, तो मैकेनिज्म E2 होगा, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे दो बीटा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ भी एक बीटा पोजीशन है, ये भी एक बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो बीटा जब होता है तो आप ये देखो, ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे और ये प्रोडक्ट, अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, तो ये होगा मेजर, हाँ ये क्या होगा माइनर, अब समझ में क्या होता है मेजर माइनर, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हाइपर कंजुगेशन, इट हैज द सिक्स हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन एटम, इट हैज द टू, तो उसके बेसिस पे, तो इसी को बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेटजेफ या जेटसेफ, पूछता है ये सब प्रोडक्ट। ये देखो
सेटजेफ्स रूल का मतलब होता है ये, सेटजेफ रूल का मतलब होता है ये, ए लिखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। अरे नीट का क्वेश्चन जाके देखो ना, पूछा हुआ ये सब, नीट का क्वेश्चन जाके देखना, नीट में जेईई मेन सब पूछता है ये सब, सेट जब क्या होता है, ऑफमैन क्या होता है, तभी मैंने क्या बताया, सेट जब या जेट सब एक ही बोलते हैं, सेट जब जेट सब जो होता है। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो, इसमें आपने डिहाइड्रोजनेशन करवाया होंगे, आपने कैसे करवाया होगा, देखो यहाँ पे ये क्या है ब्रोमीन, ये क्या हाइड्रोजन, आप मान लो इथॉक्साइड लिए, इसका काम क्या होता है, प्रोटोन इधर से लेना, ये इधर से लेना, कौन सा प्रोसेस है ये, डिहाइड्रोजनेशन E1 या E2, दो पॉसिबिलिटी होगा, एक मेजर हो एक माइनर होगा। देखो इसमें क्या होगा, सिस होगा, इसमें ट्रांस होगा, तो इसका ट्रांस लिए, एक इसका सिस भी होगा, एक ये होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितना होगा, 3। उसमें सबसे स्टेबल कौन होगा, ट्रांस, इसका सिस ट्रांस होगा कि नहीं, तो सिस ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस है, इसमें क्या होगा, एक ही फॉर्म होगा, तो टोटल कितना आ गया प्रोडक्ट, 3। कर लेंगे, ये समझ में आया आपको, सेट जब प्रोडक्ट समझ में आ गया, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स, मतलब कि आपसे अगर पूछेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बताऊंगा, अगर आपसे यहाँ पे ब्रोमीन दे देंगे और बोलेंगे इसमें कि बेटा एक काम करो, कि आपके पास सोडियम इथॉक्साइड दे के हीट कर दिए थे, बताओ क्या बनेगा, आपके पास दो बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है यहाँ भी है, कौन सा लोगे, ये लोगे आप, क्यों, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, मोर स्टेबल एल्कीन, देखो ये क्या होगा, मेजर, किसके अकॉर्डिंग, सेटजर, आई बात समझ में, ये बेसिक आइडिया मैंने दिया रिएक्शन मैकेनिज्म का, E1 E2, कुछ आइडिया लगा आपका डिहाइड्रोजनेशन का, अब एल्कीन का प्रिपरेशन का ये पार्ट अभी समाप्त नहीं हुआ अभी, तो पूछेगा विच वन नॉट पॉसिबल प्रोडक्ट, उसमें मेजर माइनर सब लेके ऑप्शन बना दे, मान लो 4 ऑप्शन देगा, बोले विच वन इज नॉट पॉसिबल प्रोडक्ट, इसका मतलब 3 पॉसिबल है 1 पॉसिबल नहीं है, तो मेजर माइनर सब पूछ लिया आपसे, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछता है, जेई मेन में भी ये क्वेश्चन पूछता है, अभी तो स्टार्ट हुआ जर्नी आपका ऑर्गेनिक का, रियल मास से ऑर्गेनिक का जर्नी स्टार्ट हुआ, रिएक्शन मैकेनिज्म का, E1 E2 समझ में आया, काइनेटिक्स से कुछ इन्फॉर्मेशन दिए समझ में आया, अभी क्लास को बंद करो, थोड़ा देख के आना टॉपिक को, नेक्स्ट क्लास थोड़ा इजी है, ठीक, एक बार टॉपिक को देख के आना आप, जाइए अभी अभी बहुत